हेलो एवरीवन क्या सभी कोई परफेक्ट है हाउ आर यू ऑल कैसे हैं सब कोई हेलो एवरी वन हाउ आर यू ऑल लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ आई एम प्रॉप विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर टुडे सेशन यस कैसे हैं सब कोई चल वी स्टार्ट विथ टुडे सेशन कैसे हैं सब कोई जल्दी से क्लास के लिंक सब जगह पे शेयर कर दो और बता दो हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है सो दैट एवरी वन कैन ज्वाइन और फटाफट से स्टार्ट करते हैं और जैसा कि आपको पता है वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर we are going to start new chapter yes we are going to start new chapter in business communication oh my dear happy new year let me share the link of the class in all the groups so that everyone can join and then we'll start with today's lecture let me share the link let me share the link of the class. <laughs> <laughs> दो मिनट दो यारों, दो मिनट दो दो मिनट दो यारों, दो मिनट लेट मी शेयर द लिंक यस क्या सभी ज्वाइन हो गए हैं शैल वी स्टार्ट ओके हैज एवरीवन वन क्या सभी ज्वाइन हो गए हैं सो <coughs> so guys, जैसा कि आज आपको पता है आज हम लोग स्टार्ट uh, करने वाले हैं आपका न्यू चैप्टर विच इज़ योर चैप्टर नंबर थ्री एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर चैप्टर नंबर टू योर चैप्टर नंबर टू इज़ कम्प्लीटली डन पूरा आई गेस नाइन टेन लेक्चर्स लगे हमें कम्प्लीट करने में टेन लेक्चर्स अप्रॉक्स हमें लगे चैप्टर नंबर टू कम्प्लीट करने में येस गाइज सो टूडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ लेसन नंबर थ्री और um, कल मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो देखा था तो आज आपको जो भी टाइम सुटेबल हो डेली टू आवर्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन को देना है डेली uh, टू आवर्स राइट डेली uh, टू आवर्स तो मैंने आपको सेवन लेक्चर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सेवन लेक्चर्स हैं आज से स्टार्ट करना है मैंने पूरा स्केड्यूल व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है कि आपको कैसे देखना है सेवन लेक्चर्स आदि है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन और थर्टी एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है ऑल सेवन डेज आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स देखने ही है ताकि थर्टी सितंबर तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाए सेवन लेक्चर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आपको देखना ही है कंपलसरीली कंपलसरीली येस yes, अब आपको जो भी स्केड्यूल बिठाना है कॉन्स्टिट्यूशन का दोपहर का रात का जैसा बिठाना है बिठाओ बट यू हैव टू वॉच दैट राइट एंड उसके अलावा मैंने एक लीगल रीजनिंग वाला चैप्टर है लीगल एप्टीट्यूड का उसका भी मैंने आपको लिंक भेज दिया था राइट सो बिजनेस कम्युनिकेशन में माई डियर अभी हमने चैप्टर टू किया है अब हम थ्री करेंगे और थ्री के बाद हम वन करेंगे वन जल्दी हो जाएगा वन में इट विल नॉट टेक टाइम सो मेन इज योर चैप्टर नंबर थ्री सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर चैप्टर नंबर थ्री और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ये जानते हुए बहुत खुशी होगी कि जो चैप्टर नंबर थ्री है ना वो पूरा सेम टू सेम है मतलब पूरा सेम है एवरीथिंग थिंग इज सेम डिटो सेम जो चैप्टर नंबर थ्री है दिस इज सेम एज दिस चैप्टर नंबर थ्री इज सेम एज सेम एज चैप्टर सिक्स एंड सेवन ऑफ ओल्ड सिलेबस क्या समझे बच्चों क्या समझे मुझे बताओ क्या समझ में आया आपको क्या समझी गोपी भाऊ ये समझी मैम कि जो ओल्ड सिलेबस का चैप्टर सिक्स और सेवन है ना उसी को जोड़ करके नया चैप्टर थ्री बना दिया एक वर्ड भी इधर उधर नहीं हुआ है मैडम पूरा शेम टू शेम है तो अगर किसी के पास ओल्ड मटेरियल है चैप्टर सिक्स और सेवन का तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं एक भी वर्ड इधर उधर नहीं हुआ है पूरा शेम टू शेम है पूरा शेम टू शेम यस <coughs> बुक मैं अज्यूम कर रही हूँ सबके पास बुक होगी या प्रिंट आउट होगा निकाल करके बैठ जाओ अगर ओल्ड सिलेबस वाला प्रिंट आउट है तो चैप्टर सिक्स निकाल लेना और न्यू सिलेबस वाला प्रिंट आउट है तो चैप्टर थ्री निकाल लेना पूरा सेम है चिंता करने की कोई बात नहीं है एवरी थिंग इज सेम ईच एंड एवरी वर्ड इज सेम कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं हुआ है बस चैप्टर नंबर टू चेंज हुआ था राइट राइट, राइट ओके ओके गाइज तो ये जो चैप्टर नंबर थ्री है न्यू सिलेबस का ये सेम टू सेम है ओल्ड सिलेबस का चैप्टर सिक्स और सेवन के जैसा सिक्स और सेवन को जोड़ करके चैप्टर थ्री बना दिया चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का नाम है बिजनेस करेस्पॉन्डेंस तो सबसे पहले आप लोग एक बात लिखेंगे करेस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है सबसे पहले आप लोग मुझे यह बताएंगे <clears throat> वॉट डू मीन बाय करस्पॉन्डेंस आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे येस yes, आपकी प्रिंटेड बुक पेन हाईलाइटर सब साथ में रख के आपको करना है मेरे साथ क्लास फ़ोन को रख दो या लैपटॉप में देख रहे हो तो सामने रखो और सामने जो अपनी प्रिंटेड बुक है वो रखो और हाईलाइटर रखो जो जो मैं आपको लिखवाऊंगी वो आपको लिखना है और जो जो मैं आपको हाईलाइटर करने बोलूंगी वो आपको हाईलाइट करना है मेरे साथ साथ करना है क्लास में ही करना है आप लोगों को मेरे साथ साथ करना है ठीक है सबसे पहले करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है करस्पॉन्डेंस मतलब होता है एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन <clears throat> जो आप रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं जो भी आप लिखित में कम्युनिकेशन करते हैं उसे हम करस्पॉन्डेंस बोलते हैं थोड़ा सा भारी वर्ड है मतलब इंग्लिश वर्ड हो गया इसका मतलब ये नहीं इसका मीनिंग डिफिकल्ट है करस्पॉन्डेंस सिंपली मीस एनी फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन जैसे आप ईमेल भेजते हैं लेटर भेजते हैं रिपोर्ट बनाते हैं ये सारी चीजें लिखित में होती हैं तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो राइटिंग में होती है लिखित में ओरल नहीं रिटर्न जो रिटर्न कम्युनिकेशन होती है उसे करस्पोंडेंस बोलते हैं लेकिन चैप्टर का नाम क्या है चैप्टर का नाम है बिजनेस करिसपोंडेंस सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस करिस्पोंडेंस व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस करिस्पोंडेंस बिजनेस करस्पोंडेंस मीन्स रिटर्न कम्युनिकेशन With respect to business. आज मेरी को क्या हो गया मेरा हाथ ही नहीं चल रहा है इतनी घटिया आ रही है, जिसका कोई नहीं ऐसा लग रहा है कोई डॉक्टर लिख रहा है आज मेरा हाथ काम ही नहीं कर रहा है अच्छे से आज मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है क्योंकि मेरा कफ ना वापस से बढ़ रहा है खत्म नहीं हो रहा है बढ़ रहा है तो ना मेरे को पता नहीं थोड़े दिन में हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो भाई मेरे को तो मेरे बच्चों का डर लगता रहता है हाय अल्लाह मेरे बच्चे मैसेज कर कर के मैम कहाँ गए कहाँ गए ठीक है <coughs> यहाँ पर सुनो वापस आ जाते हैं टॉपिक पे करस्पोंडेंस मतलब एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन उसके बाद बिजनेस करिसपॉन्डेंस मतलब जो आप बिजनेस से रिलेटेड रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं अब देखो इस चैप्टर में ना आपको बहुत सारे बिजनेस करिसपॉन्डेंस के बारे में पढ़ना है येस yes, इस चैप्टर में यू हैव टू स्टडी अबाउट अ लॉट ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन uh, अब इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है ये जो चैप्टर है सबसे पहले बिजनेस का जो चैप्टर है ये मल्टीपल टॉपिक्स में डिवाइडेड है जैसे कि सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे बिजनेस लेटर के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे बिजनेस लेटर के बारे में उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे बिजनेस रिपोर्ट के बारे में फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे बिजनेस मैसेज के बारे में मैसेज फिर उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में हेडिंग बता रही हूँ क्या पढ़ेंगे अभी ये पढ़ नहीं रहे हैं एक एक करके पढ़ेंगे मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीजें आपको पढ़नी है आर यू अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग यू हैव टू स्टडी ओके तो ये हो गया इसके अलावा यू ऑल्सो हैव टू स्टडी अबाउट यस इसके अलावा यू हैव टू स्टडी अबाउट एम आई एस एम आई एस बहुत प्यारा कंसेप्ट है एम आई एस का एक एम आई एस का कंसेप्ट आप पढ़ेंगे उसके बाद ना आप लोग ई मेल या ई e करस्पॉन्डेंस और पढ़ेंगे उसके बाद आप लोग इंटरनेट का टॉपिक पढ़ेंगे इंटरनेट इंटरनेट तो ये सारे टॉपिक आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेसिकली तो समझ लो आज हम लोग लेटर और रिपोर्ट कंप्लीट कर सकते हैं टुडे तो वी विल कंप्लीट लेटर एंड रिपोर्ट कल अपन Uh, कल अपन बिजनेस मैसेज भी कर ही सकते हैं आज अगर बन गया तो और कल अपन इंटर इंटर डिपार्टमेंटल एम आई एस कर सकते हैं और परसों के दिन मतलब मैक्सिमम फोर लेक्चर्स में अगर हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं एक घंटे से मतलब समझ लो सवा घंटा पढ़ते हैं थोड़ा ज़्यादा फिफ्टीन मिनट्स एक्स्ट्रा भी करेंगे ना अगर तो मान के चलो आज अपन लेटर कर लेते हैं लेटर कितने टॉपिक से मैं आपको बता देती हूँ ठीक है कितने टॉपिक्स हैं अब देखो ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले आप रिटर्न बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बिजनेस लेटर आप लोग पढ़ेंगे फिर बिजनेस रिपोर्ट के बारे में आप लोग पढ़ेंगे बिजनेस बिजनेस रिपोर्ट मैसेज ट्राई करते हैं ये तीनों टॉपिक आज कवर करने का बिजनेस लेटर बिजनेस रिपोर्ट और बिजनेस मैसेज फिर कल कर लेंगे अपन इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन इसके अंदर भी चार आ जाते हैं मेमो सर्कुलर यस और कौन कौन सा होता है नोटिस और एक और ऑर्डर यस yes, ये चार तरह के आ जाता है उसके बाद एम करेंगे तो कल अपन इंटर इंटर और एम कर लेंगे फिर परसों के दिन अपन ईमेल इंटरनेट वाला टॉपिक कर लेंगे सो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन बाई दैट विल बी डन विथ योर चैप्टर नंबर थ्री आर वे गुड टू स्टार्ट जल्दी बताओ आर आवे गुड टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर जल्दी से बताओ आर वे गुड टू स्टार्ट क्या आपको समझ में आ गया कि इस चैप्टर में आप लोग कितने टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं येस हमनी टॉपिकोइंग टू स्टडी इन दिस जल्दी से सबको बोलेंगे राधे राधे yes, start करो. जल्दी से सबको बोलेंगे राधे राधे ये पैराग्राफ कोई काम का नहीं है ये पैराग्राफ कोई काम का नहीं है येस मैम ये सॉरी मैम लेट होगा कोई दिक्कत की बात नहीं अभी तक आई वॉज जस्ट गिविंग द इंट्रोडक्शन ओके यस यस ये येस एवरीबडीज सेग दस येस मैम राधे राधे रेडी टू स्टार्ट ग्रेट ग्रेट तो अब ना मैं एक टॉपिक कराती हूँ उसके बाद मैं चैट बॉक्स में दूंगी ध्यान दूंगी बार बार मैं चैट बॉक्स में ध्यान दूंगी ना तो टॉपिक डिले हो जाएगा ठीक है तो फर्स्ट एल कंप्लीट वन टॉपिक उसके बाद आई रीड योर मैसेजेस इन द चैट बॉक्स ओके विल दैट बी फाइन विल दैट बी फाइन यस 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 तो फर्स्ट आई विल रीड आई विल कंप्लीट दिस टॉपिक एक बार मैं इसको पढ़ा देती हूँ देन फिर आई विल लुक एट द मैसेजेस इन द ग्रुप ठीक है तो ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ कोई काम का नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्या लिखा है मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ ये लिखा है जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हो तो सामने वाले की बातें समझना ईजी हो जाता है क्योंकि आप उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हो आप उसका बोलने का टोन देख सकते हो लेकिन ना रिटर्न कम्युनिकेशन में वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि जब आप किसी को रिटर्न कम्युनिकेशन भेजते हैं मैसेज लिख के भेजते हैं ना तो वो आपका बोलने का टोन नहीं देख पाता है वो आपका एक्सप्रेशन नहीं देख पाता है तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं इसीलिए रिटर्न कम्युनिकेशन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आप लोग भी देखेंगे जब आप किसी इंसान से फेस टू फेस बात करते हैं तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं आप ज़्यादा अच्छे समझते हैं लेकिन जब व्हाट्सअप में बात करते हैं तो कई बार आप सामने वाले की बात को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं हो सकता है उसने किसी और टोन में मैसेज भेजा होगा और आपने उसको किसी और टोन में पढ़ लिया तो वही वाली बात लिखी हुई है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ के लिए रेलेवेंट नहीं है तो आप इसको काट सकते हैं अब फाइनली अपना टॉपिक चालू हो रहा है यहाँ पर एक हेडिंग दे दो एक हेडिंग दो यहाँ पर एक हेडिंग दो यहाँ पर बिजनेस लेटर अरे दो ना कह रही हो ना दो ना एक हेडिंग एक हेडिंग दो ना एक हेडिंग बिजनेस लेटर हाँ भाई बिजनेस लेटर के बारे में दिया हुआ है यहाँ हेडिंग दो ये बिजनेस लेटर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है बिजनेस लेटर का इंट्रोडक्शन दिया है बिजनेस लेटर का हेडिंग दो जितना मैं अंडरलाइन करा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको उतना ही अंडरलाइन करना है बाकी का आपको अंडरलाइन नहीं करना है जितना मैं इसी का मैम कराएंगी भरोसा करो मैं जमानों से बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाते आ रही हूँ और मेरे बच्चों का 45 प्लस आया है 45 प्लस आया है एक बच्चे का 47 भी आया था ठीक है तो माय डियर माय डियर आपको मैं जितना अंडरलाइन करो उतना ही पढ़ना है। सबसे पहले, सबसे पहले, पहले यूजली लेटर फ्रॉम वन बिजनेस एंटिटी टू अनदर और बिटवीन सच ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर कस्टमर और क्लाइंट एंड अदर रिलेटेड पार्टीज ये है आपका इम्पॉर्टेंट यहां आपको बताया है कि बिजनेस लेटर क्या होता है बिजनेस लेटर एक ऐसा बिजनेस लेटर एक ऐसा लेटर है जो या तो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में भेजा जाता है या फिर बिजनेस से अपने कस्टमर क्लाइंट को भेजा जाता है या फिर बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज को भेजा जाता है तो बिजनेस लेटर हम किस भेजते हैं बिजनेस लेटर बिजनेस पर्पज के लिए होता है जो एक बिजनेस एंटिटी या तो दूसरी बिजनेस एंटिटी को भेजती है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन यानी वही बिजनेस एंटिटी अपने कस्टमर लोगों को भेजती है या फिर बिजनेस एंटिटीज अपने रिलेटेड पार्टी को भेजती है आई होप एवरीवन इज क्रिस्टल क्लियर विद दिस ठीक है इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और 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 उसके बाद आ जाओ यहाँ पर एसेंशियल ऑफ गुड बिजनेस लेटर में एसेंशियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ना जितना चांद स्टार जो भी तारा दे सकते हो ना दे दो मतलब सितारे भी बना दो यहाँ पर और चांद भी बना दो चांद चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं ताज़ा ताज़ा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं ओहो ठीक है तो ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई कोई भिकारी आ गया ऐसे बोल रहे है, दे दे भाई दे दे भाई ठीक है बट मैं बोल सकती मैं खुद का मजाक उड़ा सकती हूँ आप लोग मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते ना वो गलत हो जाएगा मैं खुद का मजाक उड़ा सकती हूँ आप लोग मत उड़ा देना ठीक है ये हो गया एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर में बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग इससे समझ गए होंगे चांद सितारे हार्ट सब बना दिए मैंने यानी कि एक अच्छा बिजनेस लेटर कैसे होना चाहिए सर्वगुण संपन्न होना चाहिए इसमें आप लोग पढ़ेंगे कॉन्टेंट ऑफ बिजनेस लेटर और ये मैं आपको कैसे समझाएगी ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाइए। एक सैम्पल फॉर्मेट बनाया हुआ है इशिका मैम ने इशिका मैम ने एक सैम्पल फॉर्मेट बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए समझाने ओ भाई मिट गया ये तो अरे रुक भाई बैक हो बैक हो बैक हाँ एक, एक बार और एक सेकेंड हाँ ठीक है यस yes, एक बार चैट बॉक्स देख लेते हैं यस yes. हरप्रीत जी पढ़ाई में ध्यान दीजिए यस <coughs> yes. मैं चॉकलेट बनाऊंगी <coughs> मैम अभी चैट बॉक्स मत देखो मैम वीडियो ब्लर हो रहा है नहीं मेरी साइड से वीडियो एकदम परफेक्ट है इंटरनेट एकदम परफेक्ट है आप एक बार बंद करके चालू करो वहाँ यूट्यूब में जाके क्वालिटी इंक्रीज़ करो आपको क्वालिटी सही आ जाएगी मैम अभी चैट बॉक्स मत देखो चलो ठीक है अभी मैं चैट बॉक्स में नहीं देख रही एक बार मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा देती हूँ उसके बाद फिर मैं आप लोगों को डाउट होगा तो पूछ लेना उसके बाद आई विल सी द मैसेजेस इन द चैट बॉक्स ठीक है एक बार मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ा देती हूँ बिजनेस लेटर कंप्लीट करने के बाद ही आई विल सी इन द चैट बॉक्स पहले मैं बिज़नेस लेटर कंप्लीट कर देती हूँ ठीक है तो ये मैंने सैंपल सैंपल फॉर्मेट बनाया हुआ है आपको बिजनेस लेटर समझाने के लिए अब देखो यहां पर ना आपको बिजनेस लेटर में दिया हुआ है कि बिजनेस लेटर में uh, क्या क्या लिखा जाता है सबसे पहले बिजनेस लेटर में होता है लेटर हेड लेटर के बाद हेड के बाद होता है रेफरेंस नंबर उसके बाद होता है डेट स्पेशल मार्किंग इन साइड एड्रेस एड्रेस लाइन सेल्यूटेशन सेल्यूटेशन के बाद होता है सब्जेक्ट हेडिंग उसके बाद मेन बॉडी मेन बॉडी के बाद होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद होता है सिग्नेचर एंड क्लोजर एंड एक्शर अब इतना सारा हो गया भाई इसको याद कैसे करेंगे डोंट वरी ऋषिका मैम बहुत अच्छी तरीके से आपको पूरे बिजनेस लेटर के पार्ट्स करा देगी कितने हुए कितने काउंट करो तो वन यस टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 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 एट नाइन टेन 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 इलेवन ट्वेल्व है बिजनेस लेटर के एक एक करते हैं एक एक करके करते हैं बहुत अच्छे से समझ जाओगे एकदम ध्यान से सुनना ठीक है एक एक करके करते हैं सबसे पहला एसेंशियल ऑफ गुड बिजनेस लेटर हो जाएगा आपका लेटर हेड लेटर हेड मतलब आप लोग देखे होंगे जब भी कोई लेटर लिखता है ना तो ऊपर ना प्रिंटेड रहता है उस कंपनी की बेसिक डिटेल्स आप देखे होंगे कोई भी बिजनेस का आप लेटर पढ़ते हैं या कोई भी बिजनेस कोई डॉक्यूमेंट इशू करती है ना तो ऊपर ऑलरेडी वो लेटर पैड बना के रखते हैं वो ना बुक प्रिंट करवा के रखते हैं जैसे आप बिल देखे होंगे आप लोगों ने बिल देखा है जो किसी भी कहीं जाके आप शॉपिंग करते हो तो शॉपिंग करने के बाद जो आपको बिल बना के देते हैं तो वो बिल में ना ऊपर उनकी डिटेल्स ऑलरेडी प्रिंटेड रहती हैं नीचे उनकी डिटेल्स प्रिंटेड रहती हैं बेस्ट एग्जाम्पल आपने वो देखा होगा आपने क्या बोलते हैं डॉक्टर्स लोगों का बिल डॉक्टर्स लोगों का प्रिस्क्रिप्शन देखा है मतलब जैसे डॉक्टर्स लोग जो प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं दवाई लिख के देते हैं ऊपर ना ऊपर ऊपर इतने में ना डॉक्टर का पूरा नाम एड्रेस फ़ोन नंबर सब चीज़ उसका उसका सारा चीज़ ना डिटेल्स ऊपर में दिया रहता है तो नॉर्मली कोई भी बिजनेस जब लेटर लिखती है ना तो वो अपने लेटर हेड में लिखती है लेटर हेड मतलब लेटर हेड मतलब हम ऐसा प्रिंट करवा के रखते हैं कोई भी कंपनी अब जैसे उसको जो भी लेटर बनाने हैं उसके लिए ना कंपनी ऐसे ऐसे कागज अपने लेटर हेड के साथ प्रिंट करवा के रखती है फिर जो भी लेटर लिखना होता है इसी में लिख करके फिर वो अपने क्लाइंट्स को या जिसको भी देना होता है को देती है तो लेटर में ना के top में में की basic details लिखी जाती हैं जैसे कि का 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 नाम हर होता है company वाले में पढ़ाया था जैसे आपका आधार नंबर होता है वैसे कंपनी का सिन नंबर होता है ये सारी चीजें आपको लेटर हेड में लिखनी होती हैं तो एक letter में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं लेटर में सबसे पहले हम लोग बनाते हैं लेटर हेड चलो जल्दी से आ जाओ समझा दिया मैंने लेटर हेड में लोगो भी रहता है देखो ये लोगो बनाया हुआ है ना लोगो जैसे मान के चलो नाइके है तो यहाँ पर नाइके लिख देंगे और यहाँ पर नाइके का नाइके का लोगो बना देंगे ऐसे टिक टिक रहता है ना ये ऐसा ऐसा टिक टिक रहता है नाइके का लोगो और उसका स्लोगन क्या है जस्ट डू इट नाइके का स्लोगन है ना जस्ट डू इट यस तो हाँ तो ये जो है अपन इस तरीके का यहाँ पर लिखते हैं तो लेटर हेड में अपन क्या क्या लिखते हैं लिखते हैं लेटर हेड में अपन कंपनी का लोगो बनाते हैं टैगलाइन यानी स्लोगन लिखते हैं उस कंपनी का उस कंपनी का नाम लिखते हैं एड्रेस लिखते हैं फोन नंबर लिखते हैं ईमेल आईडी लिखते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो यहाँ पर आ जाओ जल्दी से मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबसे पहले लेटर हेड क्या है लेटर हेड इज़ अ प्रिंटेड स्टेशनरी जितना मैं हाईलाइट करवाऊंगी उतना ही करवाना अ लेटर हेड इज़ अ प्रिंटेड स्टेशनरी सबसे पहले इतना हाईलाइट कर दो लेटर हेड क्या है लेटर हेड इज अ प्रिंटेड स्टेशनरी लेटर हेड इज अ प्रिंटेड स्टेशनरी विच कैरीज असेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी जिसमें कंपनी की असेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेटर हेड एक प्रिंटेड स्टेशनरी होता है जिसमें कंपनी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि मैम किस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि जैसे कि जैसे कि कंपनी का लोगो जैसे कि कंपनी का लोगो कंपनी का टैगलाइन, कंपनी का नाम कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर फोन नंबर वेबसाइट ईमेल आईडी, डी एक्सेट्रा 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 यस, यस, दिस और क्या होता है कई बार ना एड्रेस ऑफ ब्रांच ऑफिस भी होता है दूसरे अगर हमारे ऑफिस होते हैं ना तो दूसरे भी ऑफिस का डिटेल्स अपन लिखते हैं बस पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया है लेटर हेड क्या होता है लेटर हेड एक प्रिंटेड स्टेशनरी होता है स्टेशनरी मतलब कागज होता है आप प्रिंट करवा के रखते हैं उसमें कागज में ना ऊपर टॉप में प्रिंट करवा के रखते हैं जैसे आप बेस्ट एग्जाम्पल डॉक्टर का बता रही हो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन देखते हो वो जहाँ प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसको पहले से प्रिंट करवा के रखते हैं जिसमें ऊपर टॉप में डॉक्टर की डिटेल्स होती है सेम वही है कि प्रिंटेड स्टेशनरी होती है जिसमें कंपनी की बेसिक डिटेल्स होती है आई होप समझ में आ गया है। letter head के बाद हम लिखते हैं कुछ नहीं रेफरेंस नंबर इज द यहां पर लिखो लिखो ना जो बोल रहे हो यूनिक नंबर ऑफ एवरी लेटर यूनिक नंबर ऑफ एवरी लेटर लिखो यहां पर रेफरेंस नंबर जो होता है ताकि फ्यूचर में हम उसको रेफर कर पाए देखो अब जैसे मान के चलो डॉक्टर बिल बना रहा है आ, द, मान के चलो आप दुकानदार हो आप बिल बना रहे हो बिल नंबर वन बिल नंबर टू आप बिल बना रहे हो आप इनवॉइस बना रहे हो तो डोंट यू थिंक आप हर इनवॉइस को एक नंबर दोगे ताकि फ्यूचर में कोई रिटर्न माल लेके आएगा और वो बोलेगा मेरा बिल नंबर ये है तो आप उस बिल नंबर से उस बिल को ढूंढ पाओगे तो रेफरेंस नंबर एक यूनिक नंबर देते हैं अपन जितने भी अपन लेटर बनाते हैं ना तो लेटर नंबर वन लेटर नंबर टू लेटर नंबर थ्री नंबर दे देते हैं जिससे कि फ्यूचर में अगर हमें उस लेटर को ढूंढना रहता है ना तो उस नंबर के थ्रू हम उस लेटर को आसानी से ढूंढ सकते हैं तो हम एक यूनिक नंबर दे देते हैं जितने भी लेटर होते हैं सबको तो उसे बोलते हैं रेफरेंस नंबर अब रेफरेंस नंबर ना एल्फा न्यूमेरिक हो सकता है कुछ भी रख सकते हैं कंपनी को फ्रीडम है कंपनी कैसा भी रेफरेंस नंबर रख सकती है अब जैसे आपको कुछ अल्फाबेट ए वन रखना है ए टू ए वन ए टू ए थ्री ऐसा रेफरेंस नंबर रखना है आप ऐसा भी रख सकते हो आपको रखना है आर एन वन आर एन टू आर एन थ्री मतलब मतलब आप कोई भी यूनिक नंबर यूज कर सकते हो जिसमें आप अल्फाबेट्स और नंबर दोनों का यूज कर सकते हो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट

रेफरेंस रेफरेंस नंबर नंबर क्या होता है टू द लेटर एट द लेटर स्टेज यानी कि अगर बाद में आपको उस लेटर की जरूरत पड़ती है तो आप इजीली रिट्राइव कर सकते हो उस लेटर को विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस नंबर उसके बाद इट इज फॉर इट इज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड कंटेंट ऑफ लेटर शुड बी मतलब ऑर्गेनाइजेशन फ्री है डिसाइड करने के लिए कि हमारा रेफरेंस नंबर क्या होना चाहिए आप कुछ भी जो चाहो रेफरेंस नंबर रख सकते हो इट इज अप टू यू टू डिसाइड आप फ्री हो आप कुछ भी रेफरेंस नंबर रख सकते हो कोई हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है आ विक लिव दिस आई विक लिव दिस That's it, that's it. इसमें ना आप नंबर अलॉट करते हैं क्या करते हैं डिस्टिंगटिव नंबर अलॉट करते हैं तो जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना कर लेना यह जितना मैंने अंडरलाइन किया उतना ही कर लेना मोर देन इनफ है फिर उसके बाद आपको लिखना होता है डेट अब मैं यहाँ पढ़ने से पहले ना मैं आपको डेट के बारे में कुछ बेसिक चीजें बता देती हूँ जो डेट होती है वो या तो आप रेफरेंस नंबर के नीचे भी लिख सकते हो या फिर रेफरेंस नंबर के एकदम सिधाई में राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हो रेफरेंस नंबर जो है उसके नीचे भी आप लोग डेट लिख सकते हो या फिर रेफरेंस नंबर के एकदम सिधाई में एकदम राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हो अब जो आप डेट लिखते हो ना उसमें आपको ना ऐसे सेवन अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लिखना है तो ऐसे नंबर्स में नहीं लिखना चाहिए डेट हमेशा आपको प्रॉपर जो मंथ होता है ना जैसे जनवरी है जनवरी को जीरो वन मंथ लिखो पूरा लिखो जनवरी आर यू अंडरस्टैंडिंग जो मंथ है उसको पूरा लिखना चाहिए जैसे अगर आपको सेवन अक्टूबर लिखना है तो उसमें सेवन टेन मत लिखो पूरा लिखो सेवन अक्टूबर या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो आजकल कैसा प्रेफर किया जाता है पता है ऐसा लिखते हैं आजकल अक्टूबर सेवन अक्टूबर सेवन 2022 आजकल ऐसा लिखा जाता है पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर ऐसा भी लिखा जाता है अक्टूबर सेवन 2022 ऐसा मत लिखो टेन सेवन 2022 कंफ्यूजन हो जाता है ऐसा मत लिखो डेट पूरा फुल में लिखना है बस बस इतना ही और कुछ भी नहीं है डेट में जल्दी से आ जाओ बहुत ज्यादा इजी है डेट आप कहाँ लिख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो डेट में बी रिटर्न इधर बिलो द रेफरेंस नंबर और टू द राइट साइड ऑफ इट मतलब डेट जो है आप रेफरेंस नंबर के नीचे भी लिख सकते हो या उसके राइट right साइड पे भी लिख सकते हो ये हो गया या तो नीचे भी या तो राइट right साइड पे भी समझ में आया हाँ मैम समझ में आ गया उसके बाद आपको बोल रहा है डेट आपको फुल में लिखना चाहिए मंथ को अब्रीविएट किए बिना मंथ को अब्रीविएट नहीं करना है मंथ को अब्रीविएट आपको नहीं करना है बिना मंथ को अब्रीविएट किए आपको डेट को फुल में लिखना है फुल में लिखना है मतलब ए वन सिक्स टू थाउजेंड नाइनटीन मत लिखो

रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा जाना चाहिए या ये लेटर सिर्फ स्पीड पोस्ट के द्वारा जाना चाहिए या फिर ये लेटर कॉन्फिडेंशियल है जिसको लिखा गया है वही पढ़े उसके अलावा कोई और ना पढ़े मतलब अगर आपको कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना होता है ना तो आप वो लिखते हो आप बोलोगे मैम अगर ये सारे स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखना है तो इसे तो लेटर के बाहर लिखने से मतलब है लेटर के अंदर लिखने से क्या ही मतलब है एकदम सही बोल रहे हो कायदे से ना स्पेशल मार्किंग्स जो होते हैं जो लेटर के बाहर लिफाफा होता है ना जो लिफाफा होता है कवर होता है जो लेटर का जिसमें जिसके अंदर लेटर डाला है कायदे से उस कवर में हमें ये स्पेशल मार्किंग लिखनी चाहिए कि कॉन्फिडेंशियल है कोई और ओपन ना करे क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल होता है ना तो कवर के ऊपर ही लिखा होता है है कॉन्फिडेंशियल कोई और ना खोले तो अंदर लिखने का को कोई मतलब नहीं है लेकिन सिक्योरिटी के लिए आप लोग चाहे तो आप लोग अंदर भी लिख सकते हैं स्पेशल मार्किंग वैसे इसका लॉजिक तब होगा जब इसे लेटर के बाहर लिखा जाए कवर में लेकिन अब दिया हुआ है मतलब लिख सकते हैं चाहो तो लिख लो बहुत ज्यादा अंदर लिखना यूजफुल नहीं होगा लेकिन आपको बोला आप स्पेशल मार्किंग लिख सकते हो अगर आपको कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देना है तो अब यहां पर देखो मैं आपको समझा रही हूँ ये हम पढ़ रहे हैं लेटर कैसे बनाते हैं सबसे पहले आप लिखते हैं कंपनी का लेटर हेड उसके बाद रेफरेंस नंबर रेफरेंस नंबर के बाद डेट डेट या तो रेफरेंस नंबर के नीचे लिखते हैं या तो राइट हैंड साइड पे उसके बाद आप लिखते हैं स्पेशल मार्किंग एग्जाम्पल कॉन्फिडेंशियल है एयर मेल है मतलब एरोप्लेन के द्वारा भेजना है या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजना है या कुरियर के द्वारा भेजना है कोई भी आप स्पेशल मार्किंग लिख सकते हो दैट्स इट दैट्स इट स्पेशल मार्किंग कहाँ लिखते हैं डेट के नीचे ठीक है इसके नीचे रेफरेंस नंबर और डेट के नीचे अब यहाँ पर आ जाओ जितना बोलूंगी उतना ही पढ़ना जितना ही बोलूंगी उतना पढ़ना स्पेशल मार्किंग क्या होती है यहाँ पर लिख लो इसका मतलब होता है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लिख लो स्पेशल मार्किंग मतलब स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखो बुक में मेरे साथ साथ आपको हाईलाइटिंग करनी है लिखो स्पेशल मार्किंग मतलब स्पेशल इंस्ट्रक्शन अब यहाँ पर आप क्या लिख दोगे स एम रिली सॉरी ओके सो स्पेशल मार्किंग में आप क्या लिखोगे स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखोगे ये कहाँ लिखते हैं अ फ्यू स्पेसिस बिलो द डेट डेट के नीचे लिखते हैं यानी कि अगर यहाँ डेट है तो अपन डेट के नीचे लिखेंगे स्पेशल मार्किंग तो स्पेशल मार्किंग कहाँ लिखी जाती है डेट के नीचे फ्यू स्पेसिस बिलो द डेट वन में शो द स्पेशल मार्किंग जैसे कि एग्जाम्पल सच एज कॉन्फिडेंशियल मेल एयर मेल थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट पीड पोस्ट एक्सेट्रा ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं आविक दिस बस इतना काफी है इतना काफी है और ये देखो जो मैं बोल रही थी ना वो चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है मैं बोल रही थी ना कायदे से स्पेशल मार्किंग एनवेलप में होनी चाहिए जो कवर होता है जो एनवेलप होता है जो लिफाफा होता है जिसके अंदर अपन लेटर डालते हैं कायदे से उस एनवेलप में स्पेशल मार्किंग होनी चाहिए तो सेम चीज़ यहाँ पर भी दोबारा लिखी हुई है कि जो आप एनवेलप है ना वहाँ पर भी आपको सेम स्पेशल मार्किंग देनी होगी जो बाहर वाला एनवेलप होता है लेटर के बाहर वाला वहाँ भी आपको ये सेम स्पेशल मार्किंग लिखनी होती है बस ये हो गया स्पेशल मार्किंग उसके बाद लिखते हैं इनसाइड एड्रेस अब देखो इन एड्रेस ना खतरनाक दिख रहा है लेकिन इन एड्रेस खतरनाक है नहीं इन एड्रेस का मतलब होता है सिंपली रिसीवर्स एड्रेस इन साइड एड्रेस का सिंपल मीनिंग होता है रिसीवर्स एड्रेस इनसाइड एड्रेस का सिंपल मीनिंग होता है रिसीवर्स एड्रेस यस इनसाइड यस 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 आई एम गुड आई एम गुड आई एम गुड साहिल आई एम गुड यस इनसाइड एड्रेस का सिंपल मीनिंग होता है रिसीवर्स एड्रेस यानी कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं जिसको आप लेटर लिख रहे हैं इसमें आप क्या लिखते हैं इसमें आप लिखते हैं कंप्लीट नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपियन क्या लिखते हैं कंप्लीट नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपियंट जिसको आप लेटर लिख रहे हैं रिसिपियंट का नाम और एड्रेस नाम और एड्रेस जिसके लिए लेटर है उसका नाम और एड्रेस जैसे कंपनी रिलायंस को लेटर लिख रही हूं मैं तो मैं लिखूंगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक्स वाई जेड रोड येस जू बीच मुंबई महाराष्ट्र दिस डिज डिस ओके okay, तो मैं उसका रिसिपेंट का कंप्लीट नाम और एड्रेस लिखूंगी दैट इज़ इनसाइड एड्रेस इनसाइड एड्रेस कहाँ लिखा जाता है बिलो द स्पेशल मार्किंग आपने जो स्पेशल मार्किंग लिखा ना उसके नीचे आप रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं आ विक लव दिस और इस इस रिसीवर्स एड्रेस एग्जैक्ट सेम होना चाहिए जो आपने एनवेलप में लिखा था रिसीवर्स एड्रेस शुड बी एग्जैक्टली सेम विच यू हैव मैंशन इन द एनवेलप जो आपने एनवेलप में लिखा था वही सेम रिसीवर्स एड्रेस आपको लेटर के अंदर भी लिखना है उसके बाद आप लिखते हैं अटेंशन लाइन अटेंशन अटेंशन लाइन मतलब अगर आप ये लेटर किसी स्पेसिफिक इंसान के अटेंशन में लाना चाहते हो कि ये लेटर स्पेसिफिकली इसी इंसान के लिए है तो आप उसको अटेंशन लाइन में लिख देते हो एग्जांपल फॉर द अटेंशन ऑफ मिस्टर हरीश अरोरा मैनेजर इंडस्ट्रियल क्रेडिट ये आपको बस एक एग्जाम्पल दिया हुआ है माई डियर प्लीज़ अंडरस्टैंड आप अटेंशन लाइन कहाँ लिखते हो अटेंशन लाइन

मतलब क्या गा रही हूँ मैं प्लीज़ इग्नोर करना हाँ प्लीज़ इग्नोर करना माफ़ कर देना अपनी मैडम समझ के अब यहाँ पर देखो ये अटेंशन लाइन है ये जो ग्रीन कलर से जिसको मैं घुमा रही हूँ ना ऐसे गोल 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 ये अटेंशन लाइन है ग्रीन वाला ठीक है और ये जो रेड रेड कलर में लिखा है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये रिसीवर्स एड्रेस है अब एक एग्जाम्पल लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं आप लेटर लिख रहे हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ठीक है आप लेटर लिख रहे हो किसको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को तो आप लिख देंगे रिसिपेंट का नाम रिसिपेंट कौन है रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फिर आप उसका पूरा एड्रेस लिख देंगे मुंबई महाराष्ट्र पिन कोड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है उसके बाद आप लिखेंगे मान के चलो आप चाहते हैं कि रेसिपेंट आप रिलायंस के लिए लिख रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि ये लेटर रिलायंस में सिर्फ आकाश अंबानी ही पढ़े मतलब मान के चलो अगर कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है और आप चाहते हो ये उस में, आकाश अंबानी के अटेंशन में आई उसी के लिए है स्पेसिफिकली आकाश अंबानी के लिए हम ये लेटर डेडिकेट कर रहे हैं उसी को पढ़ना है ये ई तो आप उसको अटेंशन लाइन में डाल दोगे फॉर एग्जाम्पल फॉर द अटेंशन ऑफ आकाश अंबानी फिर उसका डेजिग्नेशन मान के चलो वो डायरेक्टर है

आप क्या करो पहले अटेंशन लाइन लिख दो फिर इनसाइड एड्रेस लिख दो तो ऐसा भी चलेगा ऐसा भी चलेगा कि पहले आप अटेंशन लाइन लिख दो फिर आप इन साइड एड्रेस लिख दो यानी कि इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं इंटरचेंज मतलब पहले ये लिखो फिर ये लिखो ऐसा भी चलेगा या फिर पहले ये लिखो फिर ये लिखो ऐसा भी चलेगा आविक दिस जल्दी से एक बार बताओ ना यहां तक समझ में आया क्या जल्दी से एक बार बता दो यहां तक समझ में आया होगा तो मैं आगे बढ़ूंगी फिर यहां तक अटेंशन लाइन तक समझ में आया क्या अट यहां तक समझ में आया लेटर यस जल्दी बताओ ना आधा हो गया है यहाँ तक एक बार बता दो समझ में आया कि नहीं यस yes, आगे बढ़ सकती हूँ कैन आई मूव फॉरवर्ड कैन आई मूव फॉरवर्ड यहाँ तक ऑल क्लियर यस यस यहाँ तक ऑल क्लियर ग्रेट 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 यहाँ तक यहाँ तक एवरीवन वन इज क्लियर राइट ठीक है मैं आगे बढ़ती हूँ अब 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 यहाँ पर आ जाओ अटेंशन लाइन हो गया आपका लाइन में और कुछ हाईलाइट करना है कि आपको मैं पुराने वाले पीडीएफ में देख लेती जिसके पास पुराना मटेरियल है ना ये चैप्टर सेम है दोनों मटेरियल में पुराने मटेरियल में अब यहाँ पर आप लिख सकते हो अः यहाँ पर ना आप रिसीवर का नाम एंड डेजिग्नेशन लिखते हो यहाँ पर आप क्या लिखते हो रिसीवर का नाम और उसका डेजिग्नेशन एग्जांपल फॉर द अटेंशन ऑफ आकाश अंबानी डायरेक्टर ठीक है यहाँ पर आप उसका नाम और अटेंशन डेजिग्नेशन लिखते हो हो गया उसके बाद सेल्यूटेशन सेल्यूटेशन डियर सर मैम डियर मिस्टर मिसेस और मोस्ट कॉमन सेल्यूटेशन क्या पता है ये देखो जब आपको नहीं पता कि आप जिसको लेटर लिख रहे हो वो लड़का है या लड़की है अगर आप कभी भी किसी ईमेल आईडी पे जैसे मान के चलो अपन कस्टमर केयर में अपन कस्टमर केयर में ईमेल कर रहे हैं कभी क्यों किसी कंपनी का कंप्लेन करने के लिए कस्टमर केयर में मान के चलो कि आप कस्टमर केयर में ईमेल कर रहे हो अब वो कस्टमर केयर वाला तो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है आपको तो नहीं पता कि वो मर्द है कि औरत है मर्द है कि औरत है वो तो नहीं पता तो डियर सर लिखना भी गलत हो जाएगा अगर वो औरत निकली तो और डियर मैम लिखना भी गलत हो जाएगा अगर वो सर निकले तो तो इसीलिए सबसे कॉमन सैल्यूटेशन क्या होता है पता है प्रैक्टिकली भी जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हैं ना तो आप लिखते हैं डियर सर ओब्लिग मैम मैम मैडम नहीं लिखना चाहिए आइडियली क्योंकि मैडम को ही शॉर्ट में मैम बोला जाता है क्या आपको पता है जो वर्ड है ना मैडम जो वर्ड है मैडम मैडम में डी को हम साइलेंट कर देते हैं और डी को साइलेंट करके एपोस्ट्रोफी डाल देते हैं इसीलिए हम मैम बोलते हैं सो मैम इज नथिंग बट द शॉर्टकट ऑफ मैडम आपको पता है मैम इज नथिंग मैम इज नथिंग बट अ शॉर्टकट ऑफ मैडम मैडम में हम डी को साइलेंट कर देते हैं और एपोस्ट्रोफी डाल देते हैं ठीक है तो मोस्ट कॉमन आपका सैल्यूटेशन कौन सा हो जाएगा डियर सर ऑब्लिक मैम डियर सर ऑब्लिक मैम अब आप लोग बोलोगे मैम बचपन में ना हम डियर नहीं लिखते थे बचपन में ना हम रिस्पेक्टेड लिखते थे बचपन में जब हम लेटर लिखते थे ना एप्लीकेशन फॉर लीव स्कूल के टीचर को तो हम लिखते थे रिस्पेक्टेड सर आई वांट टू से दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर प्लीज़ काइंडली ग्रैंड मी द लीव फॉर टू डेज थैंकिंग यू बचपन में लिखा है ये लेटर आपने बचपन में लिखे हो ये लेटर अपने क्लास टीचर को बताओ जल्दी क्या आपने क्लास टीचर को बचपन में ये लेटर लिखा है आपको याद होगा आप ना रिस्पेक्टेड सर का प्रयोग करते थे बट आपको पता है प्रैक्टिकली ये गलत होता है ये रिस्पेक्टेड वर्ड एक एडजेक्टिव नहीं है और इसीलिए आप रिस्पेक्टेड को यूज़ नहीं कर सकते सर के साथ ग्रामेटिकली ये रॉन्ग होता है और कभी भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में यू नेवर यूज़ वर्ड रिस्पेक्टेड सर और मैम नेवर एवर एवर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में यू नेवर यूज़ द वर्ड रिस्पेक्टेड सर और मैम मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सैल्यूटेशन इज डियर सर ऑब्लिक मैम ठीक है तो सबसे कॉमन अगर आपको सामने वाले का नाम नहीं पता है तो सबसे कॉमन सैल्यूटेशन डियर सर ऑब्लिक मैम और अगर आपको सामने वाले का नाम पता है तो आप उसका नाम लिख दो फॉर एग्जाम्पल आप मुकेश अंबानी को लेटर लिख रहे हो तो ऐसे लिख दो डियर सॉरी ऐसे लिख दो डियर मुकेश हाँ 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 ऐसे लिख दो चलेगा अगर आप मुकेश को पर्सनली जानते हो ना तो ऐसे लिख दो डियर मुकेश अब ये वो न, वो सुट्टा के ऐड वाला डियर नहीं है मैं मुकेश था मैं पहले तंबाकू खाता था फिर मेरे को ये बीमारी हो गई वो जो मूवीज़ में आता है वो वाला मुकेश नहीं है ये मुकेश अंबानी ठीक है डियर मुकेश ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो डियर मिस्टर अंबानी डियर मिस्टर अंबानी ऐसा भी लिख सकते हो अगर किसी का नाम पता है और आप उसको पर्सनली जानते हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो डियर मिस्टर अंबानी डियर मिस्टर अंबानी ऐसा भी लिख सकते हो या डियर मुकेश ऐसा भी लिख सकते हो बट रिस्पेक्टेड नहीं यूज़ होता है एक बात समझ लो रिस्पेक्टेड गलत है रिस्पेक्टेड नहीं लिख सकते गलत है गलत है गलत है ग्रामेटिकली गलत है देखो कहीं तो भी लिखा होगा कहीं तो भी लिखा होगा पढ़ो यहाँ पर लिखा है देखो द यूज ऑफ रिस्पेक्टेड सर शुड बी अवॉइडेड एज द वर्ड रिस्पेक्टेड इज इज नॉट एन एडजेक्टिव सो इट ग्रामेटिकली रॉन्ग बचपन में लिखते आए थे बचपन में तो बहुत सारी चीजें करते थे बचपन में तो प्यार भी था टूट गया ना बचपन का प्यार भाई साहब सुनो मेरी बात को ये ग्रामेटिकली गलत है आप रिस्पेक्टेड सर का प्रयोग नहीं कर सकते आई होप एवरी वन इज क्रिस्टल क्लियर नेक्स्ट The use of first name was traditionally avoided in business letter, but सेल्यूटेशन इन बिजनेस नाउ आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली डायरेक्ट पहले ना फर्स्ट नेम का ज्यादातर प्रयोग नहीं किया जाता था जैसे अगर मैं मुकेश अंबानी को लेटर लिख रही हूँ तो डियर मुकेश पहले ना फर्स्ट नेम को अवॉइड किया जाता था बट आजकल डायरेक्ट लोग लिखने लग गए हैं आजकल लोग डायरेक्ट नाम लिखने लग गए हैं तो तो आजकल ये कॉमन हो गया है आजकल यूज करते हैं डियर मुकेश लिखते हैं आविक लेव दिस और सबसे कॉमन क्या हो जाएगा सबसे कॉमन आपके लिए हो जाएगा सेल्यूटेशन डियर सर ऑब्लिक मैम राइट right, तो ये हो गया अपना अब यहाँ पर देखो अपन कर रहे थे लेटर लेटर में सबसे पहले अपन ने किया लोगो सॉरी लेटर हेड लेटर हेड के बाद अपन ने किया रेफरेंस नंबर रेफरेंस नंबर के बाद डेट डेट के बाद स्पेशल मार्किंग उसके बाद इनसाइड एड्रेस और अटेंशन लाइन और इन दोनों को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं फिर आता है आपका सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन सबसे कॉमन सैल्यूटेशन क्या है आपका सबसे कॉमन सैल्यूटेशन है डियर सर ऑब्लिक मैडम या डियर सर ऑब्लिक मैम ठीक है अब इसके बाद अपन लिखते हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट में आप हेडिंग लिखते हैं कि किस पर्पस के लिए आप लेटर लिख रहे हैं वो आप सब्जेक्ट में लिखते हैं अब आपके पास दो ऑप्शन है मान के चलो ये आपका सब्जेक्ट है इरेक्शन वर्क ऑफ बिकाने प्रोजेक्ट तो या तो आप पूरा कैपिटल में लिखो पूरा कैपिटल मतलब पूरा कैपिटल लेटर इरेक्शन पूरा कैपिटल में पूरा कैपिटल लेटर्स में इरेक्शन वर्क ऐसा भी लिख सकते हो या फिर सिर्फ इनिशियल कैपिटलाइज कर सकते हो जैसे इरेक्शन का ई e कैपिटल कर दो बाकी पूरा छोटा लिख दो वर्क का डब्ल्यू कैपिटल कर दो बाकी सब छोटा लिख दो ऑफ बीकानेर का बी कैपिटल कर दो बीकानेर और फिर प्रोजेक्ट का पी कैपिटल कर दो ऐसा भी कर सकते हो दोनों में से आप कैसा भी लिख सकते हो या तो आप सिर्फ इनिशियल्स को कैपिटलाइज करोगे तो भी चलेगा या पूरा कैपिटल में लिखोगे तो भी चलेगा ठीक है तो अपन क्या कर रहे हैं अपन कर रहे हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट को कैसे लिखा जाता है ध्यान से सुनना सब्जेक्ट हेडिंग कैसे लिखा जाता है सब्जेक्ट हेडिंग में आप लिखते हैं कि व्हाट द कंटेंट्स ऑफ द लेटर आर यानी कि लेटर में क्या होने वाला है हेडिंग क्या है किस परपज के लिए हम लेटर लिख रहे हैं वो अपन लिखते हैं हेडिंग में अब यहाँ पर आपको लिखना है कि हेडिंग मस्ट बी रिटर्न इन द इनिशियल लेटर विथ द रेस्ट इन लोअर केस और इन कैपिटल मिस कर दिया मैंने और In capitals, आपके पास दो ऑप्शन है या तो पूरा कैपिटल में लिख दो पहला ऑप्शन ऐसा लिख दो सिर्फ इनिशियल कैपिटलाइज कर दो सिर्फ इनिशियल दूसरा ऑप्शन पूरा कैपिटल में लिख दो आविक विद दिस तो इसमें आपको ये पढ़ना है कि ये बताता है कॉन्टेंट ऑफ लेटर क्या होंगे और ये या तो इनिशियल कैपिटलाइज करो बाकी पूरा स्मॉल में या फिर पूरा ही कैपिटल में लिख दो या फिर पूरा ही कैपिटल में लिख दो दिस यस अब 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 सब्जेक्ट हेडिंग कहाँ लिखी जाती है सैल्यूटेशन यानी किल्यूटेशन के ऊपर भी लिख सकते हैं या सेल्यूटेशन के नीचे भी लिख सकते हेडिंग आप या तो सेल्यूटेशन के ऊपर भी लिख सकते हैं या सेल्यूटेशन के नीचे भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल um, तो ये सेल्यूटेशन हुआ सैल्यूटेशन के बाद भी आप सब्जेक्ट लिख सकते हो या फिर इन दोनों को आप इंटरचेंज भी कर सकते हो इंटरचेंज मान के चलो ये सब्जेक्ट है आप पहले सब्जेक्ट लिख दो ऐसा पहले 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 सब्जेक्ट लिख दो फिर सेल्यूटेशन लिख दो तो भी चलेगा या फिर या फिर पहले सेल्यूटेशन लिख दो फिर सब्जेक्ट लिख दो तो भी चलेगा दिस आविक लेवे दिस पहले सब्जेक्ट लिखो फिर सेल्यूटेशन लिखो तो भी चलेगा या पहले सब्जेक्ट सेल्यूटेशन लिखो तो भी चलेगा यानी इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं ठीक है उसके बाद फिर आप मेन बॉडी लिखते हैं मेन बॉडी में पूरा राम कहानी लिख देंगे जो भी आपको लेटर में लिखना है मेन बॉडी को तीन पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं इंट्रो बॉडी कंक्लूजन ठीक है तो मेन बॉडी आप लिखते हैं मेन बॉडी में इसमें आपको क्या क्या हाईलाइट करना है मेन बॉडी में मेन बॉडी ना थ्री पार्ट्स में होता है मेन बॉडी थ्री पार्ट्स में होता है पहला पार्ट आपका होता है इंट्रोडक्शन दूसरा पार्ट होता है आपका मिडल सेक्शन मिडल सेक्शन क्या होता है बॉडी मिडल सेक्शन होता है फिर उसके बाद कंक्लूजन होता है जो आपका मेन बॉडी होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन सेकंड एक सेकंड सेकंड पार्ट हो जाएगा लॉन्गर मिडल सेक्शन और थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट हो जाएगा आपका कंक्लूजन आई दिस जल्दी से बताओ क्लियर क्या आप जो बॉडी होता है उसमें सारी राम कहानी लिखते हो जिसको आप तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हो इंट्रोडक्शन मिडल पार्ट एंड कंक्लूजन विच वी कॉल इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन अब इंट्रोडक्शन क्या होता है देखो इसको ना मैं ग्रीन कलर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ठीक है इसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देती हूँ इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन अब देखो इंट्रोडक्शन जो होता है वो ना पर्पज ऑफ द लेटर बताता है जो इंट्रोडक्टरी पैरा होता है वो क्या बताता है वो बताता है पर्पज़ ऑफ द लेटर कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो मिडल सेक्शन में आप पूरे रेलिवेंट फैक्ट्स लिख देते हैं रेलिवेंट फैक्ट मतलब पूरी राम कहानी लिख देते हैं जो भी आपको लिखना है फिर कंक्लूजन में ना एक पुलाउट राउंड ऑफ कर देते हैं मतलब एक पोलाइट कंक्लूजन लिख देते हैं लाइक थैंकिंग यू सी यू और वेटिंग फॉर योर रिप्लाई ऐसा कुछ लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू ऐसा कुछ एक पोलाइट एंडिंग एक पोलाइट स्टेटमेंट के साथ आप कंक्लूड करते हैं तो कंक्लूजन एकदम पोलाइट होता है जैसे कि वी जैसे कि वी थैंक यू या थैंकिंग यू और थैंकिंग यू बचपन में करते थे आपको कायदे से थैंकिंग यू का प्रयोग नहीं करना चाहिए बचपन में करते थे, थे छोड़ा बचपन की गलियाँ जैसे कि वी लुक फॉरवर्ड और मेरा फेवरेट क्या है मैं अपने हर ईमेल में Uh, मैं अपने हर ईमेल में लिखती हूँ लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड मोस्ट ऑफ द ईमेल में टू हियरिंग फ्रॉम यू ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है ऐसा ही होता है ग्रामेटिकली करेक्ट और आप इसको लिख सकते हैं यूजुअली मैं लिखती हूँ जैसे मैंने किसी को ईमेल किया आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई सो आई आई राइट दिस एज अ कंक्लूडरी स्टेटमेंट दैट लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है ऐसा ही होता है और ये ये इस तरह का पोलाइट स्टेटमेंट सेंड कर सकते हो बचपन में लेकिन जो हम थैंकिंग यू लिखते थे वो नहीं लिखना चाहिए बचपन में जो हम थैंकिंग यू का प्रयोग करते थे वो नहीं करना चाहिए इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू यूज द फ्रेज थैंकिंग यू थैंकिंग यू यूज करना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है आपको थैंकिंग यू फॉर्मल लेटर्स में कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं लिखना चाहिए आई विक लव दिस यू डोंट हैव टू राइट थैंकिंग यू इन द फॉर्मल लेटर यू डोंट हैव टू राइट यस यू डोंट हैव टू राइट formal things in the यू डोंट हैव टू राइट thanking you in the formal letter यस 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 अब मैं भी हमेशा यही लिखूंगी प्राची कह रही है ग्रेट ग्रेट लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू राइट यस 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 ओके यस यस आ क्लियर लेव दिस एवरी वन सी सी ग्रेट 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 यार आज तो अपन तीन टॉपिक करने वाले थे अभी तक तो पहले ही टॉपिक में है बहुत धीरे चल रहा है चलो आओ थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं उसके बाद आप लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जैसे मैं प्यार से सी सी कहती हूँ अरे सी सी तो ईशिका मैम का क्रिस्टल क्लियर भी होता है इसे भी बना दो इसे भी बोल देते हैं सी सी दुखी हो जाएगा ना वरना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को मैं प्यार से सी सी कहती हूँ सी सी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में ना आप लिखते हैं ऐसे यॉर्स ट्रुल यॉर्स फेरफुल ईशिका अग्रवाल यॉर्स लविंगली ईशिका अग्रवाल लविंगली वविंगली मतलब फॉर्मल लेटर में फॉर्मल लेटर में या तो आप योर्स ट्रूली लिख सकते हो या योर्स फेथफुली लिख सकते हो या योर्स सिंसियरली लिख सकते हो मैं बताऊँ ये सब नहीं लिखा रहता है आजकल क्या लिखा रहता है पता है थैंक्स एंड रिगार्ड्स ऐसा लिखा रहता है बट आपकी बुक में दिया है तो यही आपको पढ़ना पड़ेगा प्रैक्टिकली ज़्यादातर अपन ऐसे लिखता है रिगार्ड्स इशिका अग्रवाल या थैंक्स एंड रिगार्ड्स इशिका अग्रवाल ऐसा लिखता है प्रैक्टिकली अपन ये ट्रूली टूली ऑर्सफुली ना प्रैक्टिकली लिखते नहीं है लेकिन आपके बुक में दिया है ना तो इसको आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा ठीक है अब देखो ये आपकी बुक में प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है लेकिन आपकी बुक में दिया है ना और तो ये एम में भी आया है ये पास्ट एग्जाम एम में आया है तो ये आपके बुक में दिया है ना तो ये वाला आपको एज इट इज पढ़ना पड़ेगा ये आपके बुक में दिया है इसलिए ये आपको एज इट इज पढ़ना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज तीन तरह का होता है योर्स ट्रूली योर्स फेथफुल यॉर्स सिंसेरली जो आप यूज कर सकते हैं और आप कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री यूज कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपने सैल्यूटेशन क्या यूज़ किया है सैल्यूटेशन के अकॉर्डिंग आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज चूज करेंगे सैल्यूटेशन के अकॉर्डिंग यू विल चूज द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज सेल्यूटेशन के अकॉर्डिंग यू विल चूज द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज अगर सैल्यूटेशन आपका सर है तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होना चाहिए योजली अगर सेल्यूटेशन आपका डियर सर या डियर मैम है तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होना चाहिए योर्स फेथफुली अगर आपका सेल्यूटेशन डियर मिस्टर सर या डियर मिस्टर एक्स है तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज योर सिंसेअरली होना चाहिए अब इसको याद कैसे करोगे यहां एस है यहाँ डी है और यहां एम एड हो गया ठीक है सर का एस डियर सर का डी और मिस्टर एक्स का एम तो यहाँ पर है टी एफ और sincerely का एस ट्रूली का टी फेथफुली uh, का एफ तो बाद क्या आता है एफ तो डी एफ डी एफ से हो जाएगा अगर डियर यूज किया है डियर सर तो एफ से हो जाएगा फेथफुली आपका शॉर्टकट है एस टी डी एफ और एस धोनी एम एस धोनी एम एस धोनी ये आपका मेमोरी टेक्निक है याद करने के लिए ये आपका मेमोरी टेक्निक याद करने के लिए एम एस धोनी अगर मिस्टर यूज हुआ है तो आपका हो जाएगा एस सिंसियरली एम एस धोनी एस फॉर सिंसेरली आई विक लव दिस ये आपको याद करना पड़ेगा ये पास एग्जाम में आया है कि आपको ये याद हो जाएगा कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हमें यूज करना चाहिए अगर सर है तो एस टी टी फॉर ट्रूली डी है डियर सर तो डी ई एफ एफ फॉर फेथफुली अगर एम एस है एम फॉर मिस्टर एक्स है तो एम एस हो जाएगा सिंसियरली जल्दी से बताओ ये याद हो जाएगा क्या बहुत ईजी मेमरी टेक्निक दिया है मैंने आपको येस yes? यस yes, बहुत इजी मेमोरी टेक्निक दिया है मैंने आपको ये याद हो जाएगा क्या यस एवरी वन ये याद हो जाएगा याद हो जाएगा बहुत इजी मेमोरी टेक्निक मैंने आपको दिया है ये याद हो जाएगा ना यस एवरी वन यस बिल्कुल तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज तो यानी आपने बॉडी लिख दिया बॉडी के बाद आप लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जैसे कि यॉस ट्रूली अब उसके बाद कुछ छिन्दी पुंदी बातें हैं उसके बाद आप लिखते हैं सिग्नेट्री सिग्नेट्री यानी सेंडर का नाम एंड डेजिग्नेशन यहां पर लिख लो लिखो लिखो मेरे साथ सेंडर्स नेम एंड डेजिग्नेशन लिखो भाई लिखो ना भाई लिखो ना भाई सिग्नेटरी में आप क्या लिखते हैं जो बंदा लेटर भेज रहा है ना लास्ट में वो अपना नाम और अपना जैसे आप किसी को लेटर लिखते हैं तो लास्ट में आप लिखते हैं ना थैंकिंग यू इशिका अग्रवाल मैं किसी को कोई मैसेज भेजती हूं तो मैं ऐसे लिखती हूँ थैंकिंग यू फिर ईशिका अग्रवाल यस कंपनी सेक्रेटरी तो आप लास्ट में ना अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन लिखते हैं उसे अपन सिग्नेटरी बोलते हैं अब कैसे लिखना है नाम आपका नाम पूरा कैपिटल में होना चाहिए ब्रैकेट में होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल ऐसा ईशिका पूरा कैपिटल में अग्रवाल पूरा कैपिटल में और ये ब्रैकेट में होना चाहिए और उसके बाद आप लिखोगे अपना डेजिग्नेशन फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी सो हियर आई विल राइट माई डेजिग्नेशन कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटरी आविक लवि दिस तो इस तरह से आपको डेजिग्ने सिग्ने सिग्नेटरी लिखना होता है यहाँ पर आप सिग्नेटरी का नाम लिखते हैं कैपिटल में ब्रैकेट में फिर उसके बाद आप सिग्नेटरी का डेजिग्नेशन लिखते हैं ऑलमोस्ट काम की बातें हो गई हैं लास्ट में दो फुद्दू बातें हैं एनक्लोजर्स और एनेक्शस एनेक्शस मतलब अगर आपको लेटर में और भी कोई पी अटैच करना है ना तो जैसे लेटर का एक पेज का पी है उसके साथ आपको मान के चलो अपना आधार कार्ड भी अटैच करना है तो आधार कार्ड का जो पी है लेटर वाले पेज के बाद उसको अटैच कर दो जोड़ दो दोनों पेजेस को मतलब अगर आपको लेटर के बाद मतलब उसमें और भी कोई पीडीएफ या डॉक्यूमेंट या कुछ प्रूफ या कुछ भी अगर अटैच करना होता है डॉक्यूमेंट तो उसे हम एनेक्शन मतलब आपको लेटर में कोई और डॉक्यूमेंट भी अटैच करना होता है तो उसे अपन बोलते हैं ये लास्ट में होता है और उसके बाद एक लास्ट बचा आपका एनक्लोजर्स डालते हैं बीसी और सी एनक्लोजर्स में आप लिखते हैं एनक्लोजर्स का शॉर्ट होता है ऐसे एनक्लोजर्स को शॉर्ट में इन एल सी लिखा जाता है एनक्लोजर्स में यह लिखा जाता है कि अगर आपको किसी को इस लेटर की कॉपी भेजनी है, तो आप उसको सीसी में डालते हैं और अगर छुपा के भेजनी है तो आप उसे बी सी सी में डालते हैं ब्लैंक कार्बन कॉपी या सीसी मतलब कार्बन कॉपी मैं तो मेरे पापा की कार्बन कॉपी कार्बन कॉपी ना ही फैक्स ना ही जेरोक्स ना ही टैलेक्स या कंप्यूटर की कॉपी मैं तो मेरे पापा की कार्बन कॉपी कार्बन कॉपी ठीक है अब मत मत मैं मैं बिल्कुल कमेंट मत करना मैं अपना मजाक उड़ा सकती हूँ आप लोग मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते ठीक है अब यहां पर आ जाओ एनक्लोजर्स और कॉपी सर्कुलेटेड यानी कि इसमें आप बी सी सी और सीसी -सी लिखते हैं बी सी सी और सी सी क्या होता है देखो मान के चलो जो मैं अपने बॉस को लेटर भेज रही हूँ उसकी कॉपी मुझे अपने कॉलिक को भेजनी है तो मैं उसे सीसी में डाल दूँगी सीसी सी यानी कार्बन कॉपी मतलब इस लेटर का एक कॉपी मैं उसको भी देना चाहती हूँ और अगर आप किसी को बीसीसी में डालते हो मतलब छुपा के आप उसको लेटर देना चाहते हो किसी और को पता ना चले एग्जाम्पल मान के चलो कि मिस्टर ए मान के चलो कि रिया जो है रिया अपने बॉस को लेटर लिख रही है ठीक है और वो अपने बॉस को लेटर लिख रही है वो उस लेटर की कॉपी अपने बॉयफ्रेंड को भी भेजना चाहती है लेकिन वो बॉस को पता नहीं चलना चाहिए कि उसने उस कॉपी लेटर की कॉपी अपने बॉयफ्रेंड को भी भेजी है तो वो छुपा करके वो छुपा करके अपने बॉयफ्रेंड को उस लेटर की कॉपी भेजना चाहती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के एड्रेस को बी में डालेगी जब हम बी में डालते हैं ना तो वो सिर्फ हमें आ, हमें ही पता चलता है वो इंसान बाकी सबसे छुपा हुआ रहता है हिडन होता है हिडन अवेक लेवल दिस दैट इज सीसी और बीसीसी सीसी और बीसीसी अवेक लेवल दिस सीसी और बीसीसी में आप क्या लिखते हैं ना ही फैक्स अरे इसमें मैंने कुछ हाईलाइट नहीं करवाया क्या रुको करवाती हूँ एक सेकंड रुको सीसी uh, और बी सी सी में आप लिखते हैं लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स और डिटेल्स ऑफ दोस्ट टू होम द कॉपी इट टू बी सर्कुलेटेड आप क्या लिखते हैं लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स एनक्लोजर्स यानी उन लोगों की डिटेल्स जिनको आपको कॉपी को सर्कुलेट करना है

गाली नहीं दे रही आपकी मैडम आर दिस जब आप ओरिजिनल रिसिपेंट को डार्क में रखे ओरिजिनल रिसिपेंट को अंधेरे में रखे किसी और को भी उस लेटर की कॉपी भेजते हैं जैसे मान के चलो आप मान के चलो पीयूष लव लेटर लिख रहा है पीयूष आया है कि नहीं आज पीयूष नहीं आया क्या पीयूष कहाँ है कहाँ है पीयूष नहीं आया है ठीक है दूसरा एग्जाम्पल ले लेते कमरन का एग्जाम्पल ले लेते मान के चलो कमरन कमरन जो है लेटर लिख रहा है आई लव यू लव लेटर लिख रहा है अब लव लेटर वो गीता को भी लिख रहा है सुनीता को भी लिख रहा है और रेखा को भी लिख रहा है जया सुषमा सबको लिख रहा है रेखा जया और सुषमा सबकी पसंद नीरमा अब वो सबको लेटर लिख रहा है ना अब वो रेखा को लेटर लिख रहा है और वो उसकी कॉपी सुषमा को भी भेज रहा है लव लेटर लेकिन वो नहीं चाहता कि रेखा को पता चले कि मैंने इस लेटर की कॉपी सुषमा को भी भेजी है मतलब पता नहीं चलना चाहिए रेखा को कि मैंने इस लेटर की कॉपी सुषमा को भी भेजी है तो उस केस में ना हम उसे बीसीसी में डाल देंगे सुषमा को कमरन क्या करेगा बीसीसी में डाल देगा बीसीसी में डाल देगा तो उससे क्या होगा ना फिर सुषमा दोनों को पता नहीं चलेगा कि मैंने दोनों को एक ही मैसेज फॉरवर्ड कर दिया आर यू अंडरस्टैंडिंग रेखा को नहीं पता चलेगा कि मैंने लेटर की कॉपी सुषमा को भी दी है अगर मैं उसे बीसीसी में डाल दूंगी तो समझ में आया क्या अब अब समझ में आ गया होगा कमरन वाले एग्जाम्पल समझ में आएगा अच्छा पीयूष है क्या तुम्हारा मैसेज ही नहीं दिखा मुझे मुझे लगा पीयूष आया ही नहीं है ठीक <laughs> है कमरन समझ में आया कमरन ओ भाई कमरन समझी गई यस 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 मैम पीयूष रो रहा है वो दिन भर रोते रहता है वो दिन भर रोते रहता है यस मैम ओके ठीक है तुम्हारा भी एग्जाम्पल लेंगे रोना बंद करो रोना बंद करो स्टडी विथ आलोक सी सी ग्रेट 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 मैम एमसीक्यूज क्यूज भी कराएंगे 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 चिंता क्यों करते हो करेंगे सभी कोच करेंगे आप बस रिवाइज करते रहो एम सी क्यूज करेंगे लेकिन आप बस रिवाइज करते रहो लास्ट होता है आपका एनेक्शन एनेक्शन में आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट एनेक्स करना है लेटर के साथ तो वो डॉक्यूमेंट आप एनेक्स कर सकते हैं सिग्नेटर में आप हाईलाइट करो कि ये कैपिटल में लिखा हुआ होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर फॉलोड बाई डेजिग्नेशन सिग्नेचर में इतना हाईलाइट करोगे और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या हाईलाइट करोगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड मैच विथ सेल्युटेशन बस इतना ही यस कॉम्प्लीमेंट्री क्लोथ शुड मैच विथ सेल्यूटेशन बस इतना ही बाकी सब मैंने जितना आपको पढ़ना है हाईलाइट करवा दिया और कुछ भी नहीं करना है आपको इतना ही पढ़ना है जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना ही पढ़ना है आपको आविक दिस यस ये हमारा टॉपिक होता है ये वाला कंप्लीट एक छोटू सी फुद्दू सी बात है इसमें टाइम नहीं लगेगा मैं आपको थोड़ा सा और दस मिनट पढ़ाना चाहूँगी अभी अपन को एग्जैक्ट वन आवर हुआ है अपन ने सवा तीन बजे शायद चालू किया था और अपन को सवा चार हुआ है दस पंद्रह मिनट और लूँगी मैं उसके बाद मैं एल चालू करूँगी लॉजिकल रीजनिंग आ, लेटर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं आज बिजनेस रिपोर्ट और बिजनेस मैसेज तो आज नहीं हो पाएगा तो कल कर लेंगे बिजनेस रिपोर्ट और बिजनेस मैसेज कल कर लेंगे अभी मैं लेटर वाला टॉपिक आपका कंप्लीट कर देती हूँ आज आप इसको रिवाइज करके आना घर से ठीक है बिजनेस लेटर टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर फुद्दू है फुद्दू है टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर दो तरह का दिया हुआ है देखो फॉर्मल बिजनेस लेटर और इनफॉर्मल बिजनेस लेटर दो तरह का आपको दिया हुआ है फॉर्मल अब फॉर्मल मतलब क्या होता है यहाँ पर ध्यान से देखना फॉर्मल मतलब ये बहुत ही टिपिकल और स्टैंडर्ड होता है

इनफॉर्मल बिज़नेस लेटर मतलब लव लेटर क्या लव लेटर को मैं इनफॉर्मल बिजनेस लेटर बोल सकती हूँ अच्छा मैं अपने पापा को लेटर लिख रही हूँ अपनी दादी को लेटर लिख रही हूँ क्या वो इनफॉर्मल बिज़नेस लेटर में आ जाएगा मैं अपनी दादी को मिस यू का लेटर भेज रही हूँ मैं बैंगलोर में हूँ मैं अपने घर पर नहीं हूँ और यहाँ का खाना मुझे बिल्कुल भाता नहीं है तो मैं अपनी दादी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपनी दादी के हाथों का खाना तो मान के चलो मैं अपनी दादी को मिस यू वाला लेटर भेज रही हूँ क्या वो इनफॉर्मल बिज़नेस लेटर में आएगा जल्दी बताओ मैं अपनी दादी को मिस यू वाला लेटर भेज रही हूँ लेटर चिट्ठी चिट्ठी तो क्या वो इनफॉर्मल बिजनेस लेटर में आएगा कुछ बच्चे कह रहे हैं नो कुछ बच्चे कह रहे हैं यस नहीं आएगा बाबू नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इनफॉर्मल लेटर नहीं बोला है इनफॉर्मल बिजनेस लेटर बोला है मतलब भले वो थोड़ा सा इनफॉर्मल है थोड़ा सा कैजुअल है लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए है बात को समझो बात को समझो पर्सनल लेटर नहीं है ये है दोनों बिजनेस लेटर ही टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर बोल रहे हैं आपको पर्सनल लेटर नहीं है ये ये बिजनेस लेटर ही है लेकिन बस हम पर्पस देखते हैं बिजनेस पर्पस के लिए ही होता है बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर होता है बहुत ज़्यादा लीगल मैटर है ऑफिशियल मैटर है लीगल मैटर है ऑफिशियल मैटर है आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या लीगल या ऑफिशियल मैटर है तो उसे हम बोलते हैं बहुत सीरियस नेचर का है ये एकदम टिपिकल और स्टैंडर्ड है तो उसे हम फॉर्मल बिजनेस लेटर बोलते हैं और अगर बिजनेस लेटर ही है मतलब बिजनेस पर्पज़ के लिए है लेकिन थोड़ा सा इनफॉर्मल है मतलब थोड़ा सा कैशुअल है बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर को लेकर के नहीं है तो वो इनफॉर्मल बिजनेस लेटर हो जाएगा एग्जाम्पल देखते हैं दोनों का फॉर्मल बिजनेस लेटर मतलब बिजनेस पर्पज़ के लिए ही है लेकिन बहुत सीरियस मैटर के ऊपर है लीगल मैटर के ऊपर है ऑफिशियल मैटर है बहुत सीरियस लेटर है काम का लेटर है एग्जाम्पल मैम एग्जाम्पल बता दो एग्जाम्पल बिजनेस डील हो गया एग्जाम्पल बिजनेस ऑर्डर हो गया राइट बिजनेस ऑर्डर हो गया एग्जाम्पल क्लेम्स हो गया डिस्प्यूट सेटलमेंट कितना भारी मैटर हो गया डिस्प्यूट सॉल्व कर रहे हो तो ये तो सीरियस मैटर हुआ ना सीरियस मैटर अग्रीमेंट कर रहे हो तो ये तो बहुत सीरियस होता है फॉर्मल अग्रीमेंट कर रहे हो यस इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहे हो सेल्स रिपोर्ट बना रहे हो और अदर ऑफिशियल मैटर ये सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे ये सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे अदर ऑफिशियल मैटर ये सारे आपके हो जाएंगे फॉर्मल बिजनेस लेटर का आई विक लव दिस यस ऑल दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मल बिजनेस लेटर मो तो भी एक बिजनेस लेटर गया लेकिन थोड़ा सा कैशुअल होता है अप्रेजल लेटर हो गया अप्रेजल मतलब जब आप अपने एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस रिप्रेजल करते हो कि बहुत अच्छा काम किया है आप उनको उनकी कोई काम को प्रेस कर रहे हो तो ये बिजनेस ही है लेकिन ना थोड़ा सा कैजुअल है मतलब बहुत सीरियस मैटर के ऊपर नहीं है इंटरव्यू लेटर है तो बहुत ज्यादा ऑफिशियल नहीं है ये लीगल नहीं है ये राइट right? इंटरव्यू के ऊपर आप लेटर लिख रहे हो थैंक्स लेटर लिख रहे हो आप थैंक्स लेटर लिख रहे हो तो थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है लेकिन पर्पज बिजनेस पर्पज ही है थैंक्स लेटर आप लिख रहे हो राइट रेफरेंस लेटर आप लिख रहे हो कवर लेटर कवर लेटर मतलब जो हम रेज्यूम लिखते हैं ना रेज्यूम जॉब एप्लीकेशन कवर लेटर मतलब जॉब एप्लीकेशन लेटर कवर लेटर मतलब जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना तो जो लेटर लिखते हो ना उसे जॉब एप्लीकेशन लेटर बुलाता है तो ये थोड़े कैजुअल होते हैं बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रिक्टनेस इसमें फॉलो नहीं करके रखनी पड़ती है कस्टमर कम्प्लेंट लेटर जब आप कस्टमर कम्प्लेंट करती है तो वो थोड़ा सा कैजुअली मेल करती है एकदम फॉर्मल एथिकेट्स फॉलो नहीं करती है ई हो गया और एक्सेट्रा 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 जो थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट या रेगुलर ये ध्यान रखना ये थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट और रेगुलर इन नेचर होते हैं और ये हो जाएगा आपका टू टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर आई होप आप लोग समझ गए हैं ये दोनों बिजनेस लेटर ही होते हैं लेकिन जो मैटर होता है अगर वो बहुत सीरियस एकदम लीगल और ऑफिशियल मैटर है तो दैट इज़ योर फॉर्मल बिजनेस लेटर और अगर थोड़ा सा कैजुअल है बहुत ज़्यादा सीरियस और एकदम स्ट्रिक्ट मैटर नहीं है तो दैट विल बी योर इनफॉर्मल बिजनेस लेटर लास्ट पॉइंट है लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर इसमें आपको कुछ नहीं करना है मैं दो मिनट में बता रही हूँ लेआउट यानी कि फॉर्मेट लेआउट यानी कि यहाँ पर देखो लेआउट क्या होता है लेआउट यानी कि फॉर्मेट ये बहुत छोटू सा टॉपिक है ये तुरंत हो जाएगा लेआउट यानी कि फॉर्मेट ऑफ लेटर ध्यान से सुनो लेआउट यानी कि फॉर्मेट फॉर्मेट अब ये ना दो तरह का होता है एक होता है ब्लॉग्ड फॉर्मेट और एक होता है सेमी ब्लॉक्ड एक चीज ध्यान रखना सेमी ब्लॉक्ड को ना मॉडिफाइड ब्लॉग भी बोलाता है इसका एक और नाम है इसका एक और नाम है सेमी ब्लॉक्ड को ना मॉडिफाइड ब्लॉग्ड भी बोला लिखो लिखो इसका एक और नाम है सेमी ब्लॉक्ड को ना मॉडिफाइड ब्लॉक्ड भी बोला जाता है क्या मॉडिफाइड ब्लॉक्ड लिखो लिखो इसको सेमी ब्लॉक्ड को मॉडिफाइड ब्लॉक्ड भी बोला जाता है लेआउट मतलब फॉर्मेट ऑफ द लेटर लेआउट छोटा सा टॉपिक है लेआउट मतलब फॉर्मेट ऑफ द लेटर और आई थिंक आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है मतलब एकदम लड्डू लग रहा होगा अभी तक तो आपको एकदम अभी तक आपको पूरा एकदम लड्डू लग रहा होगा टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर यस लेटर का पार्ट्स जो है अभी तक आई होप बिजनेस लेटर पढ़ रहे हैं तो लेटर बचपन से लिखते ही आ रहे हैं लेटर तो तो अभी तक आपको एकदम चिल एकदम एकदम इजी इजी ओ डैडी कूल 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 यस अभी तक एकदम इजी इजी कूल कूल लग रहा होगा आपको ये लेआउट ले ले लेआउट जो है जितना मैं हाईलाइट करवाऊंगी उतना ही करना जितना मैं अंडरलाइन करवाऊंगी उतना ही करना ठीक है अब ये ब्लॉग फॉर्मेट में क्या आ जाता है ब्लॉग फॉर्मेट हेडिंग दो ब्लॉग फॉर्मेट जो ब्लॉग फॉर्मेट होता है ना उसमें ना ब्लॉग फॉर्मेट में ना जितना मैं करवाऊंगी बस उतना ही करना ब्लॉग फॉर्मेट में ना ऑल ऑल कमेंट्स एट द लेफ्ट मार्जिन जितना मैं हेडिंग हाईलाइट करवाऊंगी उतना ही करो ऑल ऑल कमेंट्स एट द लेफ्ट मार्जिन एंड 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 नो कोमा नो कोमा बस इतना ही करो बस इतना ही करो अरे कह रही हो ना नो कोमा नो कोमा यानी कि ब्लॉग फॉर्मेट में आप लिख सकते हो यहां पर छोटा छोटा ना एरो बना के लिख लो राइट एवरी थिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू नो कोमा नो कोमा ठीक है और इसमें लिखो मॉडिफाइड ब्लॉग में लिखो डी एस सी राइट साइड डी एस सी राइट साइड सब्जेक्ट एंड रेफरेंस नंबर लिखो सब्जेक्ट एंड रेफरेंस नंबर सेंटर सेंटर रेस्ट ऑल रेस्ट रिमेनिंग ऑल रिमेनिंग लेफ्ट साइड पे और बॉडी में इंडेंट यूज करोगे नहीं समझ में आएगा तो भी लिखो मैं अभी एक एक करके समझाऊंगी इसका क्या मतलब है अरे भाई अभी समझाऊंगी अभी सिर्फ लिखवा रही हूं अभी लिखो एक एक करके समझाऊंगी इसका क्या मतलब है बॉडी में इंडेंटेशन यूज करोगे और यू कैन बॉडी में इंडेंटेशन रहेगा एंड यू कैन यूज कोमा यू कैन यूज कोमा यू कैन यूज कोमा इतना लिखो इतना लिखो या स्क्रीन शॉट ले लो इतना लिखो या स्क्रीन शॉट ले लो अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ बाद में लिखना स्क्रीन शॉट ले लो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ लिखते रहना बाद में मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ठीक है ब्लॉग फॉर्मेट फॉर्मेट में ना देखो कॉन्टेंट क्या होगा वो तो अपन ने देख लिया बात को समझो लेटर के अंदर का लेटर के अंदर का कंटेंट क्या होगा वो अपन ने पहले ही देख लिया वो हमें पता है कि लेटर के अंदर देखो ये सारा कंटेंट आएगा इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो ये मैंने एक फॉर्मेट एक सैम्पल फॉर्मेट आपकी इशिका मैम ने बताया था बनाया था आपको समझाने के लिए तो इसका आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो इसका इस इस सैंपल का ये सैंपल इसी का मैम ने लेटर का सैंपल बनाया था आप लोगों के लिए ताकि आपको लेटर के सारे पार्ट्स याद हो जाएं तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ठीक है ले लिया स्क्रीनशॉट अब आगे बढ़ते हैं अब अब देखो लेटर के अंदर क्या लिखना है वो अपन ने देख लिया फॉर्मेट बोलता है कि ब्लॉक्ड फॉर्मेट ये बोलता है कि राइट right साइड पे कुछ भी मत लिखना सब चीज लेफ्ट साइड पे लिखो मतलब डेट लिखना है यहां मत लिखो यहां मत लिखो पंद्रह मार्च दो हजार उन्नीस राइट साइड पे कुछ मत लिखो सेंटर पे भी कुछ मत लिखो सब चीज लेफ्ट साइड पे लिखो और कोमा का यूज मत करो कोमा का यूज मत करो कोमा मतलब कॉमा को, 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 कोमा मतलब कॉमा कोमा का यूज मत करो आइडली ये जो यहाँ यूज किया ना ये यहाँ भी नहीं होना चाहिए ये कोमा यहाँ नहीं होना चाहिए क्या आपको कहीं को, कोमा दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये जो कॉमा है इसको मिटा मतलब दो ये यहाँ पर जो कॉमा है ना इसको मिटा दो मिटा दो इसको नहीं होना चाहिए ये।, है है तो ये तो लेटर हेड है ना कंपनी का नाम एड्रेस फोन नंबर लेटर हेड तो सेंटर पे ही होता है इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो लेटर हेड को छोड़ के बाकी पूरा लेटर लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा लेटर हेड हमेशा सेंटर पे ही होता है लेटर हेड को छोड़ दो लेटर हेड तो सेंटर पे ही होगा लेटर लेटर हेड हेड को को छोड़ के, को छोड़ के के बाकी सारी चीजें एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में होंगी इंडेंटेशन का यूज नहीं करना है हर चीज एक स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट होनी चाहिए देखो अगर मैं यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खोलूं मतलब खींचूं तो देखो आप हर चीज आप उस लाइन से चालू हो रही है रेफरेंस नंबर भी यहीं से चालू हो रहा है डेट भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है रिसीवर्स एड्रेस रेफरेंस नंबर सैल्यूटेशन बॉडी पूरी हो गई आपकी यस योर्स फिथफुली ये हर चीज लेफ्ट साइड पे लिखा गया तो ये हो गया आपका ब्लॉक फॉर्मेट ब्लॉक फॉर्मेट यानी राइट एवरीथिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड हर चीज लेफ्ट साइड पे लिखी जाएगी और कोमा का इस्तेमाल नहीं होगा एवरीवन क्रिस्टल क्लियर एवरी वन क्रिस्टल क्लियर यस कोमा का इस्तेमाल नहीं होगा और सब कुछ लेफ्ट साइड में लिखा रहेगा नहीं नहीं मेमो मतलब एमओए नहीं यहाँ मेमो का मतलब अलग है मेमो मतलब एमओएए नहीं है यहाँ पर यहां पर मेमो मतलब अलग है कल कल करेंगे मेमो वाला टॉपिक तो कल वाले टॉपिक में बताऊंगी राइट एवरी वन यस यस एवरी वन ओके यस यस लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है डियर ये तो पूरा मतलब बीच में ही लिखा हुआ है ना देखो आधी यहाँ आधी यहाँ बीच में ही है पूरा बीच में ही है यस 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 करेक्ट ये हो गया आपका ब्लॉक फॉर्मेट ब्लॉक फॉर्मेट खल्लास है ये याद करना है क्या नहीं ये आपको याद नहीं करना है ये सिर्फ सैम्पल के लिए दिया हुआ है ये सिर्फ सैम्पल के लिए दिया हुआ है समझाने के लिए ये याद नहीं करना है दूसरा ऐडिंग दो दूसरा एडिंग दो सेमी ब्लॉक फॉर्मेट सेमी ब्लॉक फॉर्मेट अब देखो सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में मैंने आपको क्या बताया सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में मैंने आपको बताया तीन चीजें राइट साइड पे होती हैं डी एस सी सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में तीन चीजें राइट साइड पे होती हैं डीएससी डीएससी माने तो डीएससी बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो डी बोले तो डेट डी बोले तो डेट एस बोले तो सिग्नेचर एस बोले तो सिग्नेचर सिग्ने सॉरी सॉरी एस बोले तो सिग्नेचर और सी बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ये तीन चीज़ें राइट साइड पे होती है जैसा कि आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट में डेट यहाँ नहीं लिखा है राइट साइड पे लिखा है इस फॉर्मेट में फेथफुली यानी कि सी सी लेफ्ट में नहीं लिखा है यहाँ नहीं लिखा है फेथफुली राइट साइड पे लिखा है और सिग्नेचर जो है वो भी राइट साइड पे दिया है लेफ्ट पे नहीं दिया है तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं मैम जो आपका सेमी ब्लॉक्ड होता है ना उसमें सिर्फ आप तीन चीज़ें सिर्फ आप तीन चीज़ें राइट साइड पे लिखते हैं विच इज डीएससी डीएससी माने तो डीएससी बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज सिग्नेचर और डेट तीन चीजें आप राइट साइड पे लिखते हैं समझ में आया देखो लेटर हेड तो सेंटर पे ही रहेगा उसमें कोई दोरा नहीं है लेटर हेड तो सेंटर पे ही रहता है उसको छोड़ दो उसको छोड़ के रेफरेंस नंबर सेंटर पे है देख सकते हो रेफरेंस नंबर ना लेफ्ट पे है ना राइट right पे है सेंटर पे लिखा गया है रेफरेंस नंबर ना लेफ्ट पे है ना राइट right पे है सेंटर में है इसी तरह इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट नहीं है अगर सब्जेक्ट होता है ना तो सब्जेक्ट भी लेफ्ट सेंटर पे लिखा जाता है तो सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में क्या होता है तीन चीज़ें राइट साइड पे लिखी जाती हैं दो चीज़ें सेंटर पे लिखी जाती हैं सब्जेक्ट और रेफरेंस नंबर और बाकी सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में ही आ जाती हैं जैसे कि डियर सर ये एंड ये ठीक है और इसमें बॉडी में थोड़ा सा इंडेंट अरे यार ये न्यू फॉर्मेट में इंडेंट क्यों नहीं यूज किया है पुरानी वाली बुक में इंडेंटेशन का यूज किया है इन्होंने जैसे कि अगर मैं आपको पुरानी वाली बुक दिखाऊं ये आपकी पुरानी वाली बुक है राइट दिस इज योर ओल्ड बुक और अगर मैं आपको ओल्ड बुक दिखाऊं ना अगर मैं आपको पुरानी वाली बुक दिखाऊं अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम क्या कहोगे ये देखो एकदम सेम है पूरा सेम है अगर मैं आपको ओल्ड वाला मटेरियल दिखाऊँ ना तो बॉडी में इन्होंने इंडेंटेशन यूज़ किया है इंडेंटेशन यानी कि जब आप नया पैराग्राफ चालू करने से पहले लेफ्ट साइड में जो थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस देते हैं ना उसे इंडेंटेशन बोलते हैं एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा डियर सर अब आई एम मैं यहां से नहीं लिख रही हूं मैंने क्या कर दिया थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस दे दी थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस दे दी यहां पर ये देखो यहां ब्लैंक स्पेस दे दी और डियर सर लिखने के बाद मैं यहाँ से फर्दर लिखना चालू कर रही हूं जैसे तो इंडेंटेशन बोला जाता है इंडेंट मतलब लेफ्ट साइड में थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस देना नया पैराग्राफ चालू करने से पहले जो लेफ्ट साइड में आप ब्लैंक स्पेस देते हैं। that is is indentation. New material में में हो गया होगा। एकदम सही है देखो बॉडी में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में इंडेंटेशन यूज किया, किया हुआ है और कोमा का प्रयोग हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोमा का प्रयोग हुआ है राइट सो दिस इज योर दिस इज योर सेमी ब्लॉक फॉर्मेट और इसी के साथ ये होता है कम्पलीट इसी के साथ ये होता है कम्पलीट सेमी ब्लॉक फॉर्मेट यानि की आइडली ना यहाँ थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस होना चाहिए था बॉडी मेंटेंटेशन होता है देखो कोमा का यूज किया है सब जगह यहाँ पर सब जगह कोमा का यूज किया है सो दिस इज योर सेमी ब्लॉक फॉर्मेट अब ये हो गया हमारा जितना मैं हाईलाइट करवा रही हूँ उतना कर लो जितना मैं हाईलाइट करवा रही हूँ सेमी ब्लॉक को ना मॉडिफाइड ब्लॉग भी बुलाता है सेमी ब्लॉक को मॉडिफाइड ब्लॉग भी बुलाता है अब इसमें ना डेट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर डीएससी डीएससी हम राइट साइड पे लिखते हैं इसपे ना तीन चीजें हम राइट साइड पे लिखते हैं डेट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर राइट साइड पे लिखते हैं उसके बाद ना सब्जेक्ट और रेफरेंस नंबर सब्जेक्ट और रेफरेंस नंबर सेंट्रली रे लिखते हैं सेंटर पे सब्जेक्ट एंड रेफरेंस नंबर सेंटर पे रखते हैं सेंटर पे रखते हैं और ना जो बॉडी होता है ना जो बॉडी होता है ना जो बॉडी आपकी बॉडी नहीं बॉडी ऑफ लेटर जो बॉडी ऑफ लेटर होता है ना उसमें हम स्लाइट इंडेंट का यूज करते हैं जो बॉडी ऑफ लेटर होता है उसमें हम थोड़ा सा इंडेंट का यूज़ करते हैं न्यू बुक में ना इन्होंने एडिटिंग एरर कर दिया है यहाँ पर ओल्ड बुक में एकदम करेक्ट इंडेंटेशन यूज़ हुआ है न्यू बुक में इन्होंने एडिटिंग एरर कर दिया है इंडेंटेशन देना भूल गए यहाँ पर पूरा लेफ्ट से ही चालू कर दिया थोड़ा सा स्पेस देना भूल गए न्यू बुक में ना एडिटिंग एरर हो गया ओल्ड बुक में एकदम सही से इन्होंने आप देखोगे तो ना अगर नोटिस करोगे अगर इसको आप नोटिस करोगे तो देखो ये न्यू बुक में इंडेंटेशन ओल्ड बुक में इंडेंटेशन दिया है प्रॉपर लेकिन ना न्यू बुक में सब चीज लेफ्ट से चालू कर दिया इसमें इंडेंटेशन देना भूल गया आर यू अंडरस्टैंडिंग आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या आर यू अंडरस्टैंडिंग यस और आप कोमा का यूज कर सकते हैं कोमाज आर यूज कोमा का यूज कर सकते हैं आप कोमा आर यूज कोमा का यूज कर सकते हैं दैट्स दैट्स ऑल ऑल अबाउट बिजनेस लेटर दैट्स ऑल अबाउट बिजनेस लेटर और कल अपन करेंगे बिजनेस मैसेज कल अपन करेंगे बिजनेस मैसेज और बिजनेस रिपोर्ट अच्छा बिजनेस लेटर में ना एक फुद्दू सी बात लिखी हुई है एक फुद्दू सी बात लिखी हुई है इसमें कुछ भी काम का नहीं आप इसको इग्नोर कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर ये बहुत ज्यादा ईजी है आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए बिजनेस लेटर के आपका बिजनेस लेटर कंप्लीट होना चाहिए कंप्लीट यानी कि उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जितना मैं बोल रही हूँ बस उतना ही करो ये बहुत फुद्दू है इसमें कुछ पढ़ाने लायक है नहीं आपका बिजनेस लेटर आधी अधूरी बात नहीं होनी चाहिए कंप्लीट बात होनी चाहिए उसके बाद आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए एम्बिग्यस नहीं होना चाहिए वेगनेस नहीं होना चाहिए मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्लियर होना चाहिए उसके बाद आपका बिजनेस लेटर सिंपल होना चाहिए सिंपल यानी कि प्लेन और एकदम सिंपल स्टाइल में लिखो राइट प्लेन और सिंपल लैंग्वेज का यूज करो जो कि क्लियरली और इजिली अंडरस्टूड हो उसके बाद आपका बिजनेस मैसेज एक्यूरेट होना चाहिए एक्यूरेट यानी कि करेक्ट होना चाहिए एक्यूरेट यानी कि करेक्ट होना चाहिए अब करेक्ट यानी कि उसमें कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए जितना मैं हाईलाइट करवा रही हूँ उतना ही हाईलाइट करोगे एक्यूरेसी आने की कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर शुड बी एक्यूरेट एज मच एज पॉसिबल जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाओगे जैसे कि इन हो गया अकाउंट्स हो गया सब में एकदम करेक्ट डिटेल्स होनी चाहिए एक्यूरेट होना चाहिए झूठी बातें नहीं होनी चाहिए उसके बाद ब्रे, ब्रेविटी ब्रेविटी यानी कंसाइज होना चाहिए छोटा छोटा यानी बहुत बड़ा नहीं लिखना है छोटा कंसाइज करके लिखो कंसाइज करने के लिए अननेसेसरी वर्ड्स का अवॉइड करो अन अननेसेसरी वर्ड्स और सुपर फ्लोज वर्ड्स का अवॉइड करो छोटा शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए आपका मैसेज लास्टली सिंसियर होना चाहिए सिंसियर मतलब भैया यू मस्ट बी हिमसेल्फ एंड नॉट लिमिटेड आप अपने ही खुद ही बन के लेटर लिखो कोई और बन के लेटर मत लिखो इफ आई एम राइटिंग लेटर मैं ऐसे नहीं लिखूंगी थैंक्स एंड रिगार्ड्स अमिताभ बच्चन नहीं मैं अपन खुद ही बन के लिखूँगी आई विल नॉट कॉपी समन एल्स ए स्टाइल आई विल नॉट कॉपी सवन एल्स ए स्टाइल येस नेक्स्ट इज राइट इन योर ओन स्टाइल सिंसेयरिटी मतलब अपने ही स्टाइल में लिखो अपनी अपन खुद ही बन के लिखो उसके बाद कर्टियस होना चाहिए कर्टियस यानी कि कुछ भी रूड नहीं होना चाहिए यानी कि जो टोन है माइल्ड होनी चाहिए एंड यू शुड कंसिडर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स रूड नहीं होना चाहिए राइट रूड कर्ट एंड रूड लेटर्स हैव नो प्लेस इन द बिजनेस रूड लेटर्स का कोई प्लेस नहीं है बिजनेस में रूड लेटर्स आपका नहीं होना चाहिए यस एंड लास्टली ये एक बहुत अच्छी लाइन है ये ये वाली लाइन पढ़ लो ये एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर दी हुई है ये लाइन पढ़ लो कर्टसी शुड नॉट बी सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी छोटा करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपने कर्टसी ही नहीं दिखाई मतलब अपने मैसेज को छोटा करने के चक्कर में आप ऐसा मत करना कि आप कर्टियस ही नहीं कर्टियसी कर्टसी ही नहीं दिखाई आपने एग्जाम्पल मैसेज को छोटा करने के चक्कर में आपने ग्रीट ही नहीं किया सामने वाले को डियर सर और मैम बोला ही नहीं या फिर आई होप यू आर डूइंग वेल और कुछ मतलब ग्रीटिंग्स दी नहीं डायरेक्ट बोल दिया ये काम कर दो राइट right? आप ये रखना छोटा होना चाहिए मैसेज लेकिन इसका मतलब ये नहीं कर्टियस नहीं रहोगे कर्टियस आपको रहना है तो कर्टियसली शुड नॉट बी कर्टियसी शुड नॉट बी सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ प्राइवेटी और लास्ट पॉइंट है आपका आपके खुद के स्टाइल में होना चाहिए और आप कैसे बिजनेस लिखोगे कैसे लेटर लिखोगे यस 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 आपको इस तरह से बिजनेस लेटर लिखना है इस तरह से लिखना है द वे इन विच इट एक्सप्रेसेज योर पर्सनैलिटी आपको अपनी स्टाइल में लेटर लिखना है विच शोज़ योर पर्सनैलिटी विच शोज़ योर पर्सनैलिटी राइट इट शुड शो द पर्सनैलिटी ऑफ द राइटर दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक लास्ट वाला टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया है एक बार जल्दी से बताओ चार्ट बॉक्स में आज अपन ने जितना पढ़ा उतना आपको समझ में आया कि नहीं आया ये लास्ट वाला टॉपिक बहुत ईजी था ये लास्ट वाला टॉपिक आपको बन जाएगा कल बिजनेस मैसेज करेंगे राइट तो यहाँ पर आपको दिया आपका बिजनेस लेटर कैसा होना चाहिए कंप्लीट होना चाहिए क्लियर होना चाहिए सिंपल सिंपल होना चाहिए करेक्ट होना चाहिए छोटा होना चाहिए सिंसियर होना चाहिए कर्टियस होना चाहिए और आपकी खुद की स्टाइल में होना चाहिए स्टाइल में रहने का इस पैराग्राफ में आपको कुछ नहीं पढ़ना है कुछ पढ़ना है क्या इस पैराग्राफ में स्टाइल में रहने का वैसे तो इस पैराग्राफ में कुछ भी काम का नहीं है लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ आजकल ना देर इज़ एन इंक्रीज़ यूज़ ऑफ़ अमेरिकन स्पेलिंग्स जैसे आप अगर इंग्लिश वर्ड देखोगे ना तो ब्रिटिश स्पेलिंग अलग होती है अमेरिकन स्पेलिंग कुछ कुछ अलग होती है जैसे कलर की दो स्पेलिंग होती है सी ओ एल ओ आर भी होती है और सी ओ एल ओ यू आर भी होती है अगर आप देखेंगे तो वैसे ही फेवर फेवर की दो स्पेलिंग होती है एफ ए वी ओ आर एफ ए वी ओ यू आर सिमिलरली लेबर की भी दो स्पेलिंग होती है एल ए बी ओ आर एल ए बी ओ यू आर एग्जाम्पल सेंटर सेंटर की भी दो स्पेलिंग होती है सी एन टी आर ई सी एन टी ए आर तो ये गलत नहीं है आजकल अमेरिकन स्पेलिंग्स अलग हो गई है ब्रिटिश स्पेलिंग्स अलग हो गई है तो कई कई जगह ना दोनों स्पेलिंग्स चलती है तो आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें कोई गलत बात है नहीं वैसे ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ के लिए मुझे रिलेवेंट लग नहीं रहा है लेकिन फिर भी बता दिया मैंने ठीक है बस इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है जितना मैंने आपको मार्क कराया है उतना ही आपको पढ़ना है जल्दी से बताओ आज का टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया तो इसको आपको कल एनी हाउ रिवाइज़ करके आना और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जो अपन ने चैप्टर टू तो कम्प्लीट किया है वो आप पूरा रिवाइज़ कर लिए हैं चैप्टर टू जो अपन ने कंप्लीट किया है वो आप पूरा रिवाइज़ कर लिए आज अपन ने क्या पढ़ा आज अपन ने सबसे पहले तो बिज़नेस लेटर का डेफ़िनेशन पढ़ा फिर अपन ने एसेंशियल्स ऑफ लेटर पढ़ा जिसमें ऋषिका मैम ने इस फॉर्मेट के साथ पूरा समझाया आपको उसके बाद टाइप्स ऑफ बिज़नेस लेटर अपन ने पढ़ा फॉर्मल और इनफॉर्मल एंड आफ्टर दैट वी डिड लेआउट लेआउट में ब्लॉक्ड और सेमी ब्लॉक्ड होता है और उसके बाद मैंने आपको एक फुद्दू सा टॉपिक पढ़ाया एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर गुड बिज़नेस लेटर कैसा होना चाहिए सर्वगुण संपन्न होना चाहिए कंप्लीट क्लियर सिंपल एक्यूरेट ब्रेविटी दैट्स इट दैट्स इट और इसी के साथ हमारा बिजनेस लेटर का टॉपिक होता है कंप्लीट कल हम लोग करेंगे बिजनेस मैसेज वाला टॉपिक उसके बाद अपन करेंगे बिजनेस रिपोर्ट वाला टॉपिक बिजनेस रिपोर्ट वाला टॉपिक और उसके बाद अपन करेंगे इंटर इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन दैट इज चार तरह के दिए हुए हैं वन इज़ योर मेमो राइट सेकेंड इज़ योर ऑफिस सर्कुलर थर्ड इज़ योर थर्ड इज़ योर ऑफिस ऑर्डर और फोर्थ इज योर ऑफिस नोट फोर्थ इज़ योर ऑफिस नोट ऑफिस नोट ये चारों इतना अपन कल पढ़ेंगे एम आई एस के पहले तक एम आई एस के पहले तक इतना अपन कल करेंगे राइट एम आई एस के पहले तक फिर परसों अपन एम आई एस कर लेंगे क्या बोलती है पब्लिक आविक लेवेद सबको समझ में आया अच्छे से यस yes, यस yes. तो चलो इसी के साथ अपन बिज़नेस कम्युनिकेशन की क्लास आज यहीं पर ख़त्म करते हैं और जितना भी अपन ने आज पढ़ा है इसको पूरा आपको कल रिवाइज़ करके आना है नया चैप्टर चालू किया अपन ने और आज से रेगुलर रहेंगे आप लोग सारी क्लासेस में नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है तो इसको आप लोगों को रिवाइज ज़रूर से रिवाइज़ करके आना है ज़रूर से पिंकी प्रॉमिस करो मेरे को मैम रिवाइज करके आएंगे आपने जितना पढ़ाया है पिंकी प्रॉमिस करो मैम क्वेश्चन आते हैं हाँ जी बिल्कुल आते हैं क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से तो पिंकी प्रॉमिस करो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना अपन ने पढ़ा है उसको आप लोग रिवाइज करके आएंगे और कल अपन अच्छे अच्छे टॉपिक करेंगे कल अपन बिजनेस रिपोर्ट करेंगे बिजनेस मैसेज करेंगे इंटर इंट्रा कम्युनिकेशन करेंगे ठीक है लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करें कितने दिन से सोच रहे हैं यार एलआर स्टार्ट करने का पता नहीं पंडित मुहूर्त ही नहीं निकाल रहा है डेली सोचते हैं आज स्टार्ट करेंगे एल ये बिजनेस कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा टाइम ले लेता है भाई साहब बिजनेस कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा टाइम ले लेता है यस क्या आप सभी चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इतना दिन हो गया यार आज तो थोड़ा सा कर ही लेते हैं यस यस इतना दिन हो गया मैम दस मिनट ब्रेक दे दो भाई दस मिनट ब्रेक देंगे तो लेट हो जाएगा ठीक है चलो पांच मिनट का ब्रेक ले लो मैं तो तुरंत चालू कर रही हूँ आप पांच मिनट बाद आ जाना साहिल कमरन कमरन यस पांच मिनट का ब्रेक दे दो पांच मिनट का ब्रेक ठीक है मैं चालू करती हूँ आप लोग तो पांच मिनट में आ जाना ठीक है आई एम स्टार्टिंग करंट अफेयर्स होगा बच्चों करंट अफेयर्स होगा जब तक आप YouTube भी थोड़ा बहुत कर सकते हो Google थोड़ा बहुत जब तक स्टार्ट नहीं हो रहा करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत गूगल करो आप ना यूपीएससी के वीडियोस देख सकते हो यूपीएससी में ना जो यूपीएससी के और ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के ना करंट अफेयर्स के वीडियोस आते हैं अगर आप सर्च करोगे ना करंट uh, अफेयर्स के लिए वैसे तो आपकी क्लासेस भी होगी बट आप तब तक के लिए काम कर सकते हो जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही है तब तक के लिए काम कर सकते हो आप मंथली करंट अफेयर्स देखो जैसे मान के चलो सेप्टेम्बर खत्म होने वाला है ठीक है अगस्त पूरा खत्म हो गया तो आप यूट्यूब में सर्च करोगे ना यू अगस्त करंट अफेयर्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगस्त मंथ करंट अफेयर्स अगस्त मंथ करंट अफेयर्स तो आपको अगस्त मंथ की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज होगी ना वो सारी आपको बता देगा उससे भी क्वेश्चन आता है मतलब जरूरी नहीं है ना कि आपका टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन आएगा टेक्स्ट बुक से फिफ्टी परसेंट आ सकता है थर्टी फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट टेक्स बुक से आ सकता है फिफ्टी सिक्सटी परसेंट बाहर से आता है बाहर से भी क्या जो करंट अफेयर्स है वही पूछेगा ना अपने मन से तो करंट अफेयर्स बनाएगा नहीं वो तो अगर आप रिस के पाँच छः महीनों के भी करंट अफेयर्स करोगे तो हो जाएगा तो मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ करंट अफेयर्स के लिए जो बच्चे पूछ रहे हैं ना करंट अफेयर्स कब चालू होगा मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब में सर्च करोगे ना यू एग्ज़ाम्स का या बैंकिंग एग्ज़ाम्स का कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का ना मंथली करंट अफेयर्स आता है मंथली करंट अफेयर्स आता है जैसे अगस्त महीने में क्या क्या न्यूज़ आई जुलाई महीने में कौन कौन सी न्यूज़ आई वो देख करके के उसको थोड़ा बहुत पढ़ लो और उसके नोट्स बना लो छोटे छोटे वीडियोस आपको मिल जाएंगे छोटे छोटे वीडियोस आपको कोई अच्छा वेबसाइट ही देखना है ऐसे कोई भी एरा गैरा वेबसाइट फॉलो मत करना कोई अच्छा यूट्यूब चैनल देखना जिनका कॉन् जिनका कॉन्टेंट सही होगा यस yes, जिनका कॉन्टेंट सही होगा तो आप लोग वैसे आपको ना दृष्टि आई और बहुत सारे बैंकिंग यू के चैनल्स हैं वहाँ पर ना आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे यस yes, तो आप तब तक के लिए ये कर सकते हो बाकी बुक में जितना करंट अफेयर्स है ना वो तो अपन करा देंगे उसका टेंशन मत लो बुक में जितने करंट अफेयर्स हैं जो एम सी क्यू हैं वो भी गाइज एम आई ऑडेबल ना हो अभी ठीक है क्या बताओ ना अभी ठीक है क्या बोलो ना क्या है? अभी ठीक है क्या इज इट फाइन नो ये का हो रहा है हाय है अल्लाह ये का हो वत है। yes. कैसा अजीब सा है uh, ठीक है एल आर ज्वाइन करो एंडिंग 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 दिस सेशन हेयर ओनली ज्वाइन एल आर एंडिंग दिस सेशन हेयर ओनली ज्वाइन एल आर ओके